हाय बिटवारी, गुड मॉर्निंग। और एक बार चेक करके बताओ इफ आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल। जल्दी से कहाँ चले गया यार वीडियो। हाँ हाय, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ यार, मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरे के पूरे लाइव सेशन जो है वो एकदम डॉट टाइम पर शुरू किए। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे, मतलब एक दिन तो थोड़ा ऐसा हो। एक्चुअली माइक में इशू हो गया था, आपको पता है जीवन में मेरे माइक अच्छा नहीं मिला मेरे को एक तो। हाँ जाओ। ओके हाय, गुड मॉर्निंग। हाय आशीष, हाय पारितोष, हाउ आर यू? हाय शिवानी, हाय काव्या, हाय वंशिका, हाय शाश्वत, हाय भव्या, हाय स्नेहा, हाउ आर यू? हाय आर्यन, हाय अनुज, हाय आयुष, हाय विनायक, हाय प्रताप, हाउ आर यू? हाय किरण, हाय कनिका, क्या हाल है? हाय सनी, हाय प्रशांत, हाय विनायक, हाय मुस्कान, हाय वैभव, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग। आज का दिन खूब एंजॉय करना। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ढेर सारे दिन आपकी जिंदगी के अंदर आए और आप जो भी चाहो आपको भगवान दे दे। हाय अभिनव, हाय उदित, हाय नीति, हाय हर्ष, हाय वसुंधरा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अनुज। अच्छा, हाय परमजीत। ओके, तो चलो फिर इसी बात पे शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तो अभी फटाफट से हम लोग को आज हमारी सारी फ्लेमिंगो की पोम जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। आपके कोर्स के अंदर 5 पोम्स है। वी हैव माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड इसके साथ में वी हैव आंट जेनिफर्स टाइगर एंड अ रोड साइड स्टैंड। तो ये सारे के सारे पोम्स आज कंप्लीट करने हैं। हाँ जी, तो यस, तो जल्दी से फिर शुरू करते हैं। चलो ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पोएम से शुरुआत करते हैं। माय मदर 66। आपके सामने नोट्स तो खुले हुए हैं, मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी दे दूंगी जैसे कि मैंने बाकी चैप्टर्स के दिए हैं। और ये वाला जो है ये पूरे वैसे पैराग्राफ फॉर्मेट में है। और आप अपनी ये हाँ एनसीईआरटी भी खोल लीजिए। एनसीईआरटी खोल लेंगे तो लगे हाथ आपको पोएटिक डिवाइसेस भी बताती चलूंगी, तो बाद में एक्स्ट्रा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में पढ़ना पड़ेगा ये पोएटिक डिवाइसेस अलग से। ऑलराइट, चलो। माय मदर एट 66 लिखा किसने है? कमला दास ने लिखा है। तो जल्दी से चैट बॉक्स में कमला दास ओपी कर दो, जल्दी से कमला दास ओपी कर दो। तो जैसे टाइटल सुनते हो पोएम का माई मदर एट 66, तो एकदम से समझ में आ जाता है कि पोएट अपनी मॉम के बारे में बात कर रही है जिनकी उम्र 66 हो गई है। अब यार जैसे जैसे हम लोग 50 को क्रॉस करते हुए जाते हैं, खैर अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें तो उतनी दूर जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक बार होता है दिमाग के अंदर जो सेट होता है कि उसके बियॉन्ड जो है आप बूढ़े होने लग जाते हो और लाइफ के दूसरे कोने तक पहुंचने लग जाते हो। अब यार ये जो है ये जिंदगी की सच्चाई है, पर इसे फेस करना खास करके अपने पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। एज इन आपको पता है कि ये लाइफ का ट्रूथ है कि हम एज करेंगे एंड एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। वो सच्चाई हम सब जानते हैं, बट उस सच्चाई को इमेजिन करना अपने पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये इमेजिन करना कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जिंदगी उनके बिना होगी, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम उसे इमेजिन ही नहीं करना चाहते। जस्ट अ थॉट ऑफ इट
और हम लोग बस उसे भगा देना चाहते हैं हमारे दिल से। तो ऐसा ही कुछ इस पोएम के अंदर भी होता है। हमारी पोएट जो है वो अपनी मम्मा को देखती हैं, और जैसे ही वो अपनी मम्मा को देखती हैं तो वो थॉट उनके दिमाग के अंदर आ जाता है कि अभी शी हैज स्टार्टेड एजिंग, मतलब ऑफ कोर्स शी वाज एजिंग, बट अभी वो ओल्ड एज की तरफ जाई जा रही है, एंड शी इज नॉट कीपिंग वेल, शी इज नॉट वेल, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसी तबीयत के साथ में वो आगे बढ़ेगी अपने लाइफ के उस फेज के तरफ जहाँ पे वो उन्हें नहीं देखना चाहती, जो कि है डेथ। जैसे ही ये थॉट उनके दिमाग में आ जाता है, शी ट्राइज कि चलो अभी मैं इस थॉट को बिल्कुल नहीं, मैं कब बिल्कुल नहीं सोचूंगी ऐसा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, बट डेथ इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, और वो जितना मर्जी चाहे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले वो डिस्ट्रैक्ट होती नहीं है। एंड फाइनली ये जो पेन है उनके अंदर कि एक दिन वो अपनी मम्मा से दूर हो जाएंगी, ये पेन बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है, इतना ज़्यादा होता है, बट फिर भी वो अपनी मम्मा से छुपाती हैं और फिर मम्मा से दूर चली जाती हैं, अपने घर चली जाती हैं। पूरी पोएम के अंदर हम थीम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि किस तरीके से हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पेरेंट्स की तरफ बढ़ जाती है हर बढ़ते दिन के साथ। हर बढ़ते दिन के साथ जब आप बड़े हो रहे हो तो आपके पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो उनके लिए, तो अब आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। आप कभी कभी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले रख देते हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को चेक करने की को बाद में रख देते हो, और ऐसा ही कुछ इस पोएम के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि सारे एज के लोग अभी फेस करने लगे हैं, सारे ओल्ड एज के लोग अभी फेस करने लगे हैं। ये सेंट्रल थीम है। इसके बाद में आपको यहाँ पर डेथ एक और थीम देखने को मिलेगा, जो कि अल्टीमेट ट्रूथ है, एंड ऑफ कोर्स लॉस ऑफ लव्ड वंस तो बहुत बड़ा थीम है जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा पोएम रिवॉल्व हो रहा है। इस पोएम की खास बात यह है कि इसे सिंगल लाइन के अंदर लिखा गया है, सिंगल सेंटेंस के अंदर लिखा गया है। 14 लाइन का इसका पूरा कंपोजिशन है, और इस पोएम के अंदर आपको एंजैबमेंट देखने को मिलेगा। एंजैबमेंट एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक ही थॉट को पोएट पूरे के पूरे लाइंस के अंदर डाल देते हैं, एक स्टैंजा से दूसरे स्टैंजा के अंदर सेम थॉट को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी पंचुएशंस के। आप इस पोएम के अंदर देखेंगे कि कोई भी फाइनल पंचुएशंस नहीं है, बिकॉज इस पोएम के अंदर एंजैबमेंट है और एक ही थॉट को 14 लाइन के अंदर एक्सप्रेस किया गया है, एक सिंगल सेंटेंस के अंदर पूरी पोएम लिखी गई है, ये इसकी खास बात है। इसके अलावा इस पोएम को खास बनाता है इसकी सिमिलीज, यहाँ पर बहुत कंपैरिजन हुए हुए हैं, सिमिलीज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी बातें जो मेरे को आपको बतानी थी बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, ये सारी बातें यहाँ पर फिट कर लो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, चलो लेट्स गो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। तो यहाँ पर बोलती हैं कि अभी वो अपने घर जा रही हैं, अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर जा रही हैं कोचिन, यानी कि ऑफकोर्स उन्होंने बोलती है माई पेरेंट्स, दैट मीन्स शी हैज हर ओन हाउस ऑल्सो। तो अभी वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही हैं, अपने अपने घर जा रही हैं, एंड दैट इज वाई उन्हें एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। पर जब वो एयरपोर्ट के लिए जा रही होती हैं और कार में जा रही होती हैं, तो बिसाइड यानी कि उनके बाजू में उनकी मॉम होती हैं, और वो अपनी मॉम को देखती हैं, और जैसे ही वो उनकी अपनी मॉम को देखती हैं और उनके फेस को नोटिस करती हैं, तो देखती है कि उनकी मम्मी जो है वो सो चुकी है, एकदम एक झपकी ले चुकी है। और जब वो सो रही हैं तो उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है, एंड दैट इज वाई वो मुंह खोल के सो रही हैं। एंड अभी उनका जो फेस वो देखती हैं, वो फेस एकदम ग्रेइश हो चुका है, पेल हो चुका है, एक होता है ना यूथ का कलर, वो यूथ का कलर उनके फेस के अंदर नहीं है, वो प्लम्प उनके फेस के अंदर नहीं है, इनफैक्ट उनका फेस तो ग्रेइश हो गया है, जैसे कि ऐश, एकदम ऐश कलर हो गया है, एकदम ग्रेइश कलर हो गया है, जैसे कि कॉर्प्स में होता है, कोई एक डेड बॉडी होती है जिसके अंदर ब्लड का फ्लो अभी खत्म हो जाता है, तो वो कलर जो है वो खत्म हो जाता है और वो डेड बॉडी एकदम ग्रेस, एकदम पेल हो जाती है। एग्जैक्टली वैसा ही उनका फेस भी अभी हो गया। अब ये फेस ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है कि कोई इलनेस उन्हें हो सकता है कि वो थक गई हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज की वजह से ऐसा हो रहा हो। आपको पता है यहाँ पर हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स में लाइक का इस्तेमाल किया गया है, उनके फेस को डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है, यहाँ पर सिमिली है। एंड रियलाइज विथ पेन, और जैसे ही वो अपनी मम्मा को ऐसे कंडीशन के अंदर देखती है तो वो एकदम से पेन के साथ रियलाइज करती है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड,
जितनी ओल्ड वो है, हम लोग पता है ये बात पे यकीन ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल यकीन ही नहीं करना चाहते कि हमारे पेरेंट्स जो है वो ओल्ड हो रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो पापा 17 साल के हैं। हम तो कभी नहीं सोचना चाहते हैं कि वो एज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये एक एक साल जो वो आगे जाते जा रहे हैं, वो लाइफ के दूसरे पड़ाव तक पहुंचते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। बट अभी वो रियलाइज कर चुकी होती है कि यार मैं कितना भी जुटलाऊं इस फैक्ट को, बट मेरी मम्मा अगर 66 की है तो उनके बॉडी वो साइंस दे रही है। Looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling. अब जैसे ही उनके दिमाग के अंदर ये थॉट आता है कि उनकी मम्मा जो है वो ओल्ड हो चुकी है और नेचुरली वो डेथ की तरफ जा रही है, कोई भी अपने पेरेंट्स के लिए एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोच सकता है। ये थॉट ही बहुत ज्यादा डरावना होता है, एंड दैट इज वाई वो भी इस थॉट को अलग रखना चाहती है, बिल्कुल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, अपने दिमाग के अंदर लाना ही नहीं चाहती है। और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर देखने लग जाती हैं, और जैसे ही वो बाहर देखती है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो दो चीजें उन्हें देखने को मिलती है। एक है आपके ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यार ट्रीज सच में भागते तो नहीं है, बट क्योंकि व्हीकल आगे जा रहा है तो ट्रीज उस स्पीड की वजह से पीछे जा रहे हैं। तो जैसे ही वो बाहर देखती है तो उन्हें ट्रीज भागते हुए दिखते हैं। यहाँ पर ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है, दैट मीन्स उन्हें भागना यानी कि ह्यूमन क्वालिटी असाइन की गई है। ये इसका लीड लिटरेरी डिवाइस है। हाउएवर इसके अंदर आपको और भी लिटरेरी डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें इमेजरी भी काफी प्रोमिनेंट है, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि जैसे कार आगे जाती है ट्रीज पीछे भागते हैं, तो आप सबने उसे इमेजिन कर लिया, तो इमेजरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वो बाहर देखती है तो देखती है कि ट्रीज जो है वो भागे जा रहे हैं। वो इन ट्रीज को कंपेयर करती है टाइम के साथ में, जो इसी तेजी के साथ में बीत गया। किस तरीके से एक टाइम पर वो बच्ची हुआ करती थी और उनकी मम्मा यंग हुआ करती थी, पर मम्मी बूढ़ी हो गई है और अब वो बड़ी हो गई है, और ये समय किस तेजी से जो है वो बीत चुका है। दूसरी तरफ वो देखती है मैरी चिल्ड्रन को, जो कि अपने घरों के साथ अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। अगर मान लो आपने कभी भी शाम को अगर समर्स है तो आपने देखा होगा, तो बच्चों का टाइम फिक्स होता है, चाहे 4 बजे हो 5 बजे हो, घर का दरवाजा खोल दो और ऐसे निकलते हैं जैसे कि जेल में बंद थे अभी तक, तो है ना। तो एकदम ऐसा ही था। वो देखती है कि इतने ज्यादा खुश बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, वो एकदम टोटल कॉन्ट्रास्ट में था उनकी मम्मा के। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे, फुल ऑफ लाइफ, विगर, एनर्जी, ये सब कुछ उनके अंदर था, जॉय उनके अंदर था, और ये सब कुछ उनकी मॉम के अंदर नहीं है। अब वो ना तो उतनी जवान है, ना ही उनके अंदर वो एनर्जी या विगर है, और ना ही वो इतनी खुश है, वो बहुत ही डल डल रहती है। तो वैसे तो वो बाहर देखती है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट ये दोनों ही चीजें उन्हें उनकी मम्मी की याद दिला देती है, एंड अल्टीमेटली शायद उनका पेन और वर्स हो जाता है। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब यहाँ पर जैसे ही एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो जाता है, वो अपनी मम्मा से कुछ दूर खड़ी होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, और वो फिर से एक बार अपनी मम्मा को देखती है। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी मम्मा को, मम्मा से दूर नहीं जाना चाहती है। ये वाला जो फ्रेज है वो हमें यही बताता है, दैट शी वॉन्ट्स टू बी विथ हर मदर, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनकी मम्मा जब तक यहाँ पर है तब तक वो उनसे बिल्कुल भी दूर रहे। बट देन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें वो अलाउ नहीं करती है। समटाइम्स हमारा जॉब, समटाइम्स हमारी मैरिज, ये सब कुछ भी हमारे को ध्यान रखना होता है, और इसी वजह से हम हमारे पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते। बट दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू, कि अगर आप कमला दास की जगह पे होते तो आप क्या करते। तो एनीवे वो वहां पर पीछे मुड़कर देखती हैं अपनी मम्मा को। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अब जैसे ही पीछे मुड़कर वापस मम्मा को देखती है तो उनकी मम्मा का फेस जो है वो एकदम से कलरलेस होता है, पेल होता है, और ऐसा होता ना मुरझाया हुआ है, उसमें वो ब्राइटनेस नहीं है, वो जो एक ग्लिटर होता है यूथ का, वो नहीं है उनके अंदर। एंड जैसे ही वो उसे देखती है फेस को वापस, तो वो उनके फेस को फिर से कंपैरिजन कर लेती है, उसका फिर से कंपैरिजन करती है लेट विंटर्स मून के साथ में। लेट विंटर्स मून, आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर फॉग की वजह से मून इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है, एंड अगर देर रात का मून देखोगे तो वो एकदम से ब्लर हो जाता है, उसके अंदर वो जो लस्टर है वो एकदम से लूज हो जाता है कहीं पे, उसकी ब्राइटनेस खत्म हो जाती है। और यही मून अगर आप समर में देखोगे तो बहुत चमकता है ना।
तो वो अपनी मम्मा के फेस को उसी मून के से कंपेयर करती है जो बस फेड हो गया है और थोड़ी देर के अंदर बस पूरी तरीके से गुम हो जाएगा। तो एकदम ब्लर मून के साथ में वो कंपेयर करती है। यहाँ पर भी सिमिली है, जब उन्होंने फेस को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया। अगर सिर्फ लेट विंटर्स मून की बात की जाए तो लेट विंटर्स मून डिनोट करता है डेथ को, किसी चीज के एंड को। एक तो लेट है, दैट मींस आधी रात की बात हो रही है, जो मतलब प्रॉपर रात की बात हो रही है, तो नाइट इज नॉट अ गुड कॉनोटेशन, उसका इतना अच्छा कॉनोटेशन नहीं है, नेगेटिव कॉनोटेशन है। विंटर की बात हो रही है तो उसका भी नेगेटिव कॉनोटेशन है, एंड देन इसके बाद में मून। तो ये तीनों जो है उनके नेगेटिव कॉनोटेशन है, डेथ को डिनोट करने के लिए यूज किए गए हैं। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्ड हुड फियर। यार हम सबको बचपन में बस ये डर था कि हम हमारी मम्मी को खो देंगे, मेले में चले जाएंगे मम्मी कहाँ है। हम कहीं पर भी जाते थे हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था, मम्मी कहाँ है ना। तो हमारा सबका बचपन में ये डर होता था कि एक दिन हम हमारी मम्मी से दूर हो जाएंगे, और वही डर उन्हें वापस फील होता है। ये फेमिलियर इसके लिए है क्योंकि बचपन में भी एक बार उन्होंने इसे फील किया है, और वही एक वही पेन वो फिर से अपने अंदर फील करती हैं कि वो अपनी मम्मा को खो देंगे। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब इसके बाद में उन्होंने बोला कि जब मैं मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं मेरी मम्मा को यहाँ पर खो दूंगी, क्योंकि अभी मम्मा बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, एंड आई विल लूज हर टू डेथ। तो वो एक डर ऐसा था, वो नर्वसनेस ऐसी थी, वो एंग्जाइटी ऐसी थी जो कि शायद उनकी शक्ल पर आ जाती। पर आपको पता है कि अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान होते हो तो आपकी मम्मा 2x परेशान हो जाती है। वो आपको सैड ही नहीं देख सकती। एक एक मिनट अगर आप इधर सैड हो तो उधर आपकी मम्मा एकदम से और ज्यादा सैड हो जाएगी, तो वो आपको सैड नहीं देख सकती है। एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पर था। पोएट को पता था कि अगर उनके चेहरे पे वो फियर आ जाएगा, वो दर्द आ जाएगा, और उनकी मम्मा ने अगर उसे एक्सपीरियंस कर लिया तो उनकी मम्मा और ज्यादा सैड हो जाएंगी। एंड दैट इज वाई उन्होंने उसे पूरा कवर अप कर लिया, बोला नहीं 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 मेरे को बिल्कुल भी डरना नहीं है, मुझे अभी बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। एक हॉलो सी, एक झूठी सी स्माइल अपने चेहरे पर वो लेकर आई, और उस स्माइल के साथ में बड़े ही ऑप्टिमिज्म के साथ में उन्होंने बोला सी यू सून अम्मा, आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगी अम्मा। ये ऑप्टिमिज्म शो करता है, ये कहीं ना कहीं वो होपफुल है उनसे मिलने की, ये शो करता है। इसके साथ में स्माइल जो है उसे पोएट ने 3 बार यूज किया गया है। स्माइल में रेपिटेशन है, जब भी किसी वर्ड को पोएट रिपीट करते हैं तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है एक म्यूजिकल इफेक्ट प्रोवाइड करने का, और दूसरा बड़ा रीजन होता है उस वर्ड पे एम्फोसाइज करने का। अगर कमला दास स्माइल को रिपीट नहीं करती तो हमें यही नहीं पता चलता कि ये जो स्माइल है ये हॉलो स्माइल है। सो दैट इज वाई यहाँ पर स्माइल पे इम्फोसाइज किया गया है कि एक स्माइल उनकी खोखली स्माइल है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू स्माइल, वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू हग हर मदर एंड क्राई, और अपने फ्यूर को एक्सप्रेस करना चाहती थी। बट दैट समथिंग दैट यू शुडेंट डू, राइट? नहीं तो उसकी मम्मी और टेंशन में आ जाती कि भाई ऐसा क्या हो गया, मैं कहाँ जा रही हूँ, है ना। तो एकदम ऐसा फील होता, तो वो चीज वहां पर नहीं हुई। एंड इसके बाद में उन्होंने अपनी मम्मा को फेयरवेल दे दिया, वो वहां से चली गई। तो दिस इज द पोअम माय मदर एट 66। प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस कर लिए हैं, थीम डिस्कस कर लिया है, स्पेशल जो भी इसके अंदर था वो भी आपको बता दिया, राइटिंग स्टाइल ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। तो इसके साथ में हमने ये कंप्लीट कर लिया है। मैम चैट नहीं देख रहे, देखो मैम की एक खास बात होती है, जब मैम पढ़ा रही होती है तो ना तो मैम स्क्रीन देखती है और ना चैट देखती है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। मेरा सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है, नरेशन और एक्सप्लेनेशन के अंदर डूब कर पढ़ाना होता है। मैं लिटरेचर रोबोटिक नहीं पढ़ाती हूँ कि मैंने कोई स्क्रिप्ट यहाँ तैयार कर रखी है या कुछ ऐसा और उसके साथ में पढ़ाऊंगी। मैं यूजुअली जैसे आप मेरे को कोई चैप्टर दे देते हो तो मैं उसको पूरा फील कर कर आप तक रखना चाहती हूँ। तो बीच बीच में चैट शो होती हैं, वो कभी कभी उसको डिसरप्ट कर देती हैं। तो बाद में जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखते हैं उनको शायद नहीं समझ में आए और आपको भी नहीं समझ में आए। 4 बातें जो बोलना चाहती हूँ वो नहीं बोल पाऊंगी। फिर इसके बाद में जैसे ही अपना नरेशन कंप्लीट कर लेती हूँ तो सीधा फोकस चैट और स्क्रीन दोनों पे आ जाता है, ठीक है? ऑल राइट, ओके, हाय दीपिका। अरे देखे तो सही कौन कौन आ गया यार, 100 नंबर। मेरे को भी सबके 100 नंबर चाहिए, कान खोल के सुन लो तुम लोग। और इसके बाद में अभी थोड़े से क्वेश्चन करो, देखे तो सही कि सुबह सुबह सो तो नहीं गए सारे बच्चे।
मजा आ गया, चलो अच्छी बात है। तो वेरी गुड मॉर्निंग अर्चित, गुड मॉर्निंग अनुष्का, कैसे हो? हाय हाय चिकू, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सिमिलीज देखने को मिलेंगे। एक तो आपको दो जगह सिमिली देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है जहां पर फेस को कॉर्प्स के साथ कंपेयर किया गया है लाइक के साथ में, और दूसरा फेस को जब लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया है एज लगा के। तो दो सिमिली सबसे प्रोमिनेंट है। इमेजरी देखने को मिलेगा आपको ट्रीज प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग में, और पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा ट्रीज प्रिंटिंग में। पूरे राइटिंग स्टाइल में एंजैबमेंट है। तो यही सारे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ है जो इम्पोर्टेंट है। अरे अनीश, हाय बेटा, हाय दिव्यांशी, गुड मॉर्निंग गेमिंग, हाय हाय कृष, हेलो हेलो हेलो। कॉनोटेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कॉनोटेशन का मीनिंग क्या होता है। हर वर्ड जो होता है ना बच्चा, उसका एक डिनोटेशन होता है ना, शायद तुमने नहीं सुना होगा, बताती हूँ। कोई भी वर्ड होता है उसका मीनिंग निकालते हो ना, जब तुम सर्च करते हो इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो वो जो तुम्हें मीनिंग देता है उसे कहते हैं डिनोटेशन, है ना। और वो जो वर्ड होता है उसके साथ एक फीलिंग जुड़ी होती है, उसे कहते हैं कॉनोटेशन। अब जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक जगह मैं लिखती हूँ चबी, ठीक है, और एक जगह मैं लिखती हूँ फैट। अब अगर मैं यहाँ पर गूगल करूंगी चबी का मतलब या फैट का मतलब, चांसेस आर कि दोनों का लगभग एक ही मीनिंग निकलेगा। दैट मीन्स दोनों का डिनोटेशन सेम है, दोनों का मतलब यही होता है व्हेन यू पुट ऑन वेट, है ना। अब दोनों का ये डिनोटेशन तो सेम है, बट इनका कॉनोटेशन अलग है। आपको बताती हूँ, चबी जो है, चबी का कॉनोटेशन बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप किसी इंसान को चबी कहते हो तो बहुत ही पॉजिटिव कॉनोटेशन है, उसको बहुत ही पॉजिटिव लगता है, उसे ऐसा लगता है अरे कोई बात नहीं, थैंक्स, हाँ थैंक यू, आई न्यू आई एम क्यूट। और यही अगर आप किसी इंसान को फैट कहोगे तो वो बॉडी शेमिंग में चला जाएगा, आपने मेरे को फैट कैसे कहा, तो एकदम ही बॉडी शेमिंग में चला जाएगा। तो दोनों का मतलब वही है, बट इनका ये डिनोटेशन वही है, पर इनका कॉनोटेशन अलग अलग है। चबी पॉजिटिव है, फैट नेगेटिव है। तो ये क्या होता है, ये आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि आप ना जब भी अपनी बात कहना चाहते हो तो कोशिश करो कि आप करेक्ट कॉनोटेशन के अंदर कहो, सिर्फ यहीं पर नहीं पर्सनल स्पेयर में भी, है ना, पर्सनली भी। ऐसा होता है ना कभी कभी हम कुछ ऐसी बात कहते हैं जो चुप जाती है, वो इसके लिए ऐसा होता है क्योंकि हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं एक्सप्रेस करने के लिए जो नेगेटिव है। तो अगर हम उन्हीं की जगह पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को ज्यादा जल्दी समझ में आता। ऑल राइट चलो फिर इसी बात पे ये क्वेश्चन देख लो। आपके पास में एक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प, एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, बट सून पुट दैट थॉट अवे। क्वेश्चन कहता है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो एक्सट्रैक्ट में बेस्ट अप्लाई हो जाए। आपका ऑप्शन है कि एक्सट्रैक्ट क्या है, इज इट अ कॉन्वर्जेशन और एन आर्ग्यूमेंट और अ पीस ऑफ एडवाइस और अ स्ट्रैटेजी, अ रिकलेक्शन और अ सजेशन। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड देन यू हैव 4 ऑप्शंस एज वेल। ए बोलता है 1, 3 एंड 6, बी बोलता है 2, 4 एंड 5, सी बोलता है ओनली 5, और डी बोलता है ओनली 1। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा पहले यहां पर एलिमिनेशन करो। जैसे यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा अपने आप ये नीचे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। वेरी गुड, और सारे बच्चों ने सी बोल दिया है, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 5। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकलेक्शन है, दैट मींस कोई एक मेमोरी है जो दिमाग के अंदर थी और उस मेमोरी को यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकलेक्ट करके आपको बताया गया है। ये कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, उसके लिए 2 लोग लगते हैं, ना कोई आर्ग्यूमेंट है क्योंकि वहां पे प्रोस कॉन्स 2 साइड लगते हैं, ना पीस ऑफ एडवाइस है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, और कोई सजेशन तो कतई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी है जिसे यहाँ पर रिकलेक्ट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बुक टाइटल दैट परफेक्टली डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ पोएट्स मदर. आपको बताना है कि इन टाइटल्स में से कौन सी टाइटल है जो पोएट की ममा को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है. तो पहला है आपका टाइटल वन, यू आर ओनली ओल्ड वन. टाइटल टू, द गिफ्ट ऑफ इयर्स. टाइटल थ्री, समवेयर टुवर्ड्स द एंड. और टाइटल फोर, द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड. ऑल राइट, क्या बात है, तुम लोग आंसर भी यूनानिमसली देते हो यार. क्या एक झुंड में ही बैठे हुए हो क्या सारे? क्या चलो अभी जैसे मैम क्वेश्चन पूछेगी एक बार में नारे लगाएंगे. वेरी गुड, चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सी, समवेयर टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि उन्हें डिनोट करता है वो 66 साल की हो गई है, उन्हें काफी इलनेस भी है और उनका एनर्जी लेवल, उनका विगर जो है वो ड्रॉप हो गया है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे पोएम में ये बताया गया है कि किस तरीके से शी इज यू नो गेटिंग देयर, वो लाइफ के उस फेस तक जा रही है एंड वही सबसे बड़ा डर है हमारी पोएट का भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. आपका assertion कहता है the poet wards off the thought of her mother getting old quickly. आपका reason कहता है the poet didn't want to confront the inevitability of fate that was to dawn upon her. हाँ जी, आपका options है assertion can be inferred but the reason cannot be inferred. Assertion cannot be inferred but the reason can be inferred. Both assertion and reason can be inferred. Both assertion and reason cannot be inferred. Question number 3. All right, ये फिर से झुंड के अंदर पूरा आंसर आ चुका है. बिल्कुल सही आंसर होगा सी, दोनों ही आप इन्फर कर सकते हो. पोएट जो है यहाँ पर कोशिश करती है कि अपने वो जो थॉट है कि उनकी मम्मी उनसे उनकी मम्मी ओल्ड हुई जा रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रैक्ट करती है, भगाने की कोशिश करती है. और पोएट बिल्कुल भी कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहती है, आमना सामना नहीं करना चाहती है. इनएविटेबिलिटी दैट मीन्स समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन, होकर ही रहेगा. ऑफ फेट दैट वॉज टू डॉन अपॉन हर मदर, वो बिल्कुल सामना नहीं करना चाहती है इस सच्चाई का कि डेथ है सबको, एक ना एक दिन आकर ही रहेगी. एंड दैट इज वाई वो अपने आप अपना पूरा यू नो ध्यान जो है वो बाहर डाल देती है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द सेम लिटरेरी डिवाइस एज इन द गिवन लाइंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट. अब देखो यार, यहाँ पर एक लाइन, ये कुछ लाइंस आपको दी हुई है एक्सट्रैक्ट की. अब यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वही लिटरेरी डिवाइस आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कहाँ यूज किया गया है. लाइन्स है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. आपके ऑप्शन है, जस्ट एज आई हैड दिस थॉट शी अपीयर्ड. एंड बी है, माई थॉट्स वर एज हैवी एज लेड दैट इवनिंग वेन. सी है, आई थिंक लाइक एवरी वन एल्स हु. और डी है, आई लाइक टू थिंक अलाउड वेन. हाँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जहां पर भी आपको लाइक या एज दिखता है आपको लगता है सिमिली है. अरे यार, लाइक और एज के साथ में कंपैरिजन होना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको सिमिली देखने को मिलता है. यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल किया है, पर ये तीनों में ही जैसे मीनिंग नहीं है. तो यहाँ पर हमारा जो मीनिंग है एज हैवी एज लेड, लेड के जैसे, सिमिली वाला मीनिंग केवल बी में हो रहा है. यहाँ पर सिमिली यूज है और यहाँ पर भी सिमिली यूज है कि थॉट बहुत ज्यादा हैवी थे. ऑल राइट, तो किसने एकदम 4 out of 4 स्कोर किया जल्दी से बता दो, सो दैट वी कैन गो टू कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा. ओके चलो, अरे 3 स्कोर किया है और अच्छा मी, बहुत सारे बच्चे इनफर्ड बोले तो डराइव, इनफर्ड बोले तो डराइव. क्या समझते हो, क्या डराइव करते हो? अरे वाह यार, आप तो एकदम चतुर निकले. चलो, कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा, जल्दी से पाब्लो नेरुदा ओपी कर लीजिए एंड टेक अ ब्रेक फॉर वाटर. ओके
ओके, पैब्लो नेरुदा ओपी कर लो सो दैट हम पूरी इज्जत के साथ में स्टार्ट कर सकें। ऑल राइट, सो यहाँ पर जैसे कि टाइटल कहता है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहो। यहाँ पर पैब्लो नेरुदा जो कि आपको पता है वॉर टाइम के पोएट है, और उन्होंने ये जो पोएम है इस पोएम को भी वॉर के बाद में ही लिखा है। अब देखो यार, जब हम लोग अपने हिस्ट्री बुक्स के अंदर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग खुद बहुत बार सहम जाते हैं ये सोच के कि ये कितना ज्यादा डरावना है, कितने सारे लोग वहां पर मारे गए थे, कितनी प्रॉपर्टी, कितने एनिमल्स, कितने लोगों की जिंदगियां यहाँ पर खत्म हो गई थी। तो सोचो जिन लोगों ने इसे विटनेस किया था, आंखों से देखा था, उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। तो ऐसा ही कुछ पाब्लो नेरुदा भी बताते हैं कि यार ये जो वॉर होती है, ये वॉर सच में डिस्ट्रॉय कर देती है, आपको खत्म कर देती है, बट इस वॉर से किसी का कोई फायदा नहीं होता। हम किसी ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो हमारी कभी थी नहीं। हर एक टुकड़ा इस अर्थ का, अर्थ को बिलोंग करता है, और यही एक थॉट है जो हमें हमारे पास रखना चाहिए। ये जो पोम है, इस पोम के थ्रू वो ब्रदरहुड की तरफ इशारा करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ये वॉर जो है, ये वॉर से हमें कुछ नहीं मिलता है, इससे अच्छा तो हम लोग भाईचारे के साथ में रहे, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छा है, इंसान ज्यादा जी पाएंगे, इंसानियत ज्यादा जी पाएगी। तो इसके लिए वो एक थॉट यहाँ पर लेकर आते हैं कि काश, क्योंकि हम लोग बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं जब हम लोग किसी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो अगर हम लोग काश इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते, सेल्फ एग्जामिन कर रहे होते, आत्मचिंतन कर रहे होते कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या पर्पस है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो शायद ये सब कुछ कभी होता ही नहीं। अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते तो हमें पता चलता कि हम अपने आप को और दूसरों को कितना डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते तो हमें पता चलता कि जिंदगी के जो दुख है, ये सब कुछ हमने खुद ही लगाए हैं खुद को। हम इंट्रोस्पेक्ट करते तो हमें पता चलता कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, एंड वी मस्ट स्टॉप राइट नाउ, अभी ही रुकना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन के लिए नेचुरली आप रुक जाएंगे, आपका काम रुक जाएगा, हर जगह साइलेंस हो जाएगा, और ये जो एक मौसम है, ये जो एक तरीके का इन्वायरमेंट है, वही इस पोएम से पाब्लो नेरुदा क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आपको ये नहीं लगे दैट यू आर मिसिंग आउट समथिंग, क्योंकि हर एक इंसान उस साइलेंस, उस इनएक्टिविटी के अंदर आपके साथ में रहेगा, एंड दैट्स हाउ हर एक इंसान इंट्रोस्पेक्ट करेगा और भाईचारे का हाथ बढ़ाएगा। तो यार ये जो पोएम है, इस पोएम को समझने के लिए आपका ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1950s के अंदर लिखी हुई ये पोएम जो है वो इंडिकेट करती है उस टाइम के बारे में जो टाइम वॉर के बाद आया था। दैट मींस आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे इमोशंस पोएट यहाँ पर प्लेट पे रखते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हाँ ये बार बार वॉर क्यों कह रहे हैं, बार बार डिस्ट्रक्शन की बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। सो ये आपको पता यहाँ पर चलेगा पोम से भी। तो यहाँ पर सटल थीम जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोस्पेक्शन सटल थीम है, बाकी वॉर को खत्म करना उनका नेक्स्ट और ब्रदरहुड बिल्ड करना नेक्स्ट बड़ा मोटिव इस पोम के थ्रू है। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोएट ने ये पोएम कब लिखी थी, दैट्स हाउ यू नो कि एग्जैक्टली यहाँ पर टोन जो है वो पोएट की ऐसी क्यों है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। ऑल राइट, एनसीईआरटी खोल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छे से सुन लीजिए तो हो जाएगा आपका काम। हाँ जी, ये मेरी किताब है, देखो आप भी साइड में ऐसे लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएम की शुरुआत होती है जब पोएट कहते हैं हम सब 12 तक गिनेंगे और हम सब जो है वो स्टिल हो जाएंगे, रुक जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। यार ये 12 तक गिनने वाले का क्या, मैं क्या मुद्दा है मैम? ये एक्चुअली 12 जो है वो क्लॉक को या टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और इंट्रोस्पेक्शन में टाइम लगता है। देखो अपने आप को एग्जामिन करने में टाइम लगता है, आसान काम नहीं है आत्मचिंतन करना, अपनी गलतियां मानना। लोग अपनी गलतियां तक आतक नहीं मानते हैं यार, अपनी गलतियां मानना, अपने क्या किया है उस चीज को मानना, अपने पर्पस को फाइंड आउट करना, उसकी तरफ काम करना, ये आसान चीज नहीं है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इट विल टेक सम टाइम, इट विल नेचुरली टेक सम टाइम, बट सम पीपल ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये बहुत जल्द हो जाएगा। हो सकता है कि उन्हें 12 सेकंड लगे और उतने में उन्हें समझ में आ जाए कि यार क्यों कर रहा हूँ यार ये सब कुछ, मैं क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ खुद की और दूसरों की जिंदगी।
कुछ लोगों को हो सकता है 12 महीने लग जाए ये चीज फिगर आउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. एंड इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बोला है कि इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपको टाइम लगेगा एंड कुछ समय के लिए आपको स्टिल हो जाना चाहिए. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट फॉर वन सेकेंड, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. ये पहली बार होगा अर्थ के फेस पे जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे. देखो यार, यहाँ पर पोएट ये बताने की कोशिश करते हैं कि वैसे तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम लोग ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं, ह्यूमन काइंड को बिलोंग करते हैं, बट फिर भी लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर है जिससे हम शायद दूसरे की बात नहीं समझ सकते. कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि एक थिन लाइन डिफरेंस होता है लैंग्वेज और लैंग्वेज की तरफ प्यार और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म में. अब देखो ना किस तरीके से लास्ट लेसन के अंदर एमएमएल बताते हैं कि फ्रेंच सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, और मुझे लगता है क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ, हिंदी सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है. आप मराठी बोलते हो तो आपको लगता है मराठी सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सिमिलरली भोजपुरी, तमिल, जो भी है ना. तो यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हो वो खूबसूरत है. तो हम सब इसलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज को प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बोलते हैं चुपचाप ये लैंग्वेज बोल. हाँ, तो हम लोग यहाँ पर अपनी लैंग्वेज किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करते. कमाल की बात तो ये है कि बहुत सारे वॉर्स तो केवल इसी चीज से शुरू हो जाते हैं कि आपको मेरी लैंग्वेज में बात करनी है, हमारा कल्चर जो है वो सुप्रीम है और वो डोमिनेशन कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर लाया जाता है. तो यहाँ पर पोएट उसको खत्म करना चाहते हैं और वो बोलना चाहते हैं कि अर्थ पे कोई लैंग्वेज बोलो ही मत, चुप हो जाओ. अब ना तो लैंग्वेज बोलोगे, ना आपके बीच में डिस्टिंक्शन होगा, आप सब ह्यूमन बीइंग्स रहोगे, एक ह्यूमन काइंड से आते हुए लोग रहोगे, सबके अंदर वही ह्यूमैनिटी होगी, ना रहेगा कोई डिस्टिंक्शन और ना होगा कोई वॉर. इसके साथ में वो ये भी अर्ज करते हैं कि थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने आर्म्स को यूज नहीं करते हैं. ये आर्म्स के अंदर आपको पन देखने को मिलेगा. पन का मतलब होता है जहां पर पोएट एक वर्ड को यूज करते हैं बट एक से ज्यादा मीनिंग्स आपको बताना चाहते हैं. जैसे आर्म्स जो है वो आपके आर्म्स, आपके हाथ जो कि हम डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, एंड इसके साथ में आर्म्स का इस्तेमाल यहाँ पर वेपन्स के लिए भी किया गया है कि रुक जाओ, थम जाओ, अपने आर्म्स को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज मत करो. ठीक है, तो यहाँ पर पन मिला देखने को मिलेगा आपको. अच्छा, इसके साथ में आपको विदाउट रश, विदाउट इंजिन के अंदर रैपिड, सॉरी लेट्स एंड लेट्स के अंदर एनाफोरा देखने को मिलेगा. इसी वाला जो आपका स्टैंजा है, स्टैंजा के अंदर देखो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज वाला जो लाइन है वो लेट्स से शुरू हो रहा है, एंड लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड भी लेट्स से शुरू हो रहा है. तो जब किसी शब्द से शुरुआत होती है किसी लाइन की और उसी शब्द को रिपीट किया जाता है उसके नीचे वाले लाइन में के स्टार्टिंग के अंदर, तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं. तो इसे गोला करके एनाफोरा लिख लो इसके पास. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. बोला ये जो moment होगा यार, ये तो शायद पहली बार ही होगा, तो ये बहुत ही exotic होगा, बहुत ही strange होगा. हम लोगों को कोई rush नहीं रहेगा, हमें कहीं आगे नहीं बढ़ना रहेगा, कोई race नहीं रहेगी दुनिया का सबसे powerful nation बनना है, हाँ, या दुनिया का सबसे powerful इंसान बनना है, या powerful culture लेना है. ऐसा कोई रेस नहीं रहेगा कि आपको नंबर वन बनना है और उस रेस के अंदर आप भागे जा रहे हो. आप एक मिनट रुकोगे एंड इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कोई मशीन्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी. ये जो इंजिन्स है ये इंजिन्स मशीन को रेफर करता है, एंड स्पेशली इंजिन्स उन मशीन्स को रेफर करता है जिससे हम किसी और को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो बोला कोई रश नहीं रहेगा किसी भी जमीन को जीतने का, किसी भी इंसान को जीतने का, और कोई भी इंजिन आपको सुनाई नहीं देंगे. ना तो यहाँ पर कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, ना कोई फायरिंग होगी. ये बड़ा ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा, बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर. और इस मोमेंट के अंदर ये एग्जॉटिक मोमेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर कोई एक इंसान है जो ये सब कर रहा है, हम सब साथ होंगे, हम सब साथ होंगे. हम सबको बांधेगी एक सडन स्ट्रेंजनेस, हम सबको एक साथ बांधेगी एक अजीब सी एक अजीब फैक्टर हमें एक साथ बांधेगा, और वो अजीब फैक्टर होगा साइलेंस. तो हम सब साइलेंस के साथ में बंधे रहेंगे, हम सब चुप हो जाएंगे, हम सब रुक जाएंगे. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन यू दिस.
जैसे कि हम लोग कोविड टाइम पे थे, देखो कोविड टाइम पे हमारे पास ना ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नेचर ने कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर धावा बोल दिया था। पैंडमिक ऐसा ही था, राइट? पूरे दुनिया के एक एक कोने के अंदर लोग जो है इसके अंदर तड़प रहे थे, न जाने कितने लोगों ने कितने अपनों को खो दिया था। तो एक ऐसा मोमेंट था, एक ऐसा मंजर था जिसको हम बिल्कुल भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहते थे, और बहुत बार हमें से देखने पे मजबूर किया। अब क्योंकि कभी ऐसा हो रहा था तो वो मौका था हमारे को इंट्रोस्पेक्ट करने का, और वो मौका हमें मिला भी। हम सब रुक गए थे, हम सब काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पर कोई ये सारी चीजें नहीं थी कि कोई इंजन नहीं था, एक अजीब सी शांति थी, ना कोई किसी को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा था। एवरी वन वॉज जस्ट प्रेइंग फॉर ईच वन ऑफ अस। हर एक इंसान घर पर बैठकर एक दूसरे के बारे में सोच रहा था, प्रे कर रहा था, बिना ये सोचे कि उसका क्या मजहब है, किसी इंसान का क्या कास्ट है, वो किस रेस से आता है। हमने कुछ नहीं सोचा, हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स में उठ रहे थे। और ये एक सडननेस इसके अंदर थी, एक स्ट्रेंजनेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको ऐसा वापस कभी नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा वापस कभी नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग सब इसलिए रुके थे बिकॉज हम ये चीज को लेकर श्योर थे कि जीवन के अंदर अगर मैं यहाँ पर रुक गई हूँ तो और कोई भी आगे नहीं जा रहा है, ठीक है? मेरा काम अगर यहाँ पर रुक गया है तो बाकी लोग भी यहीं पर ऐसे ही रुके हुए हैं। तो ये इसमें हम लोग सब साथ थे, हम लोग सब लोग इस तरीके से फाइट क्यों कर रहे थे, क्योंकि इस फाइट में हम लोग सब साथ थे। बस ऐसे ही मोमेंट को ऐसे ही मूवमेंट को कॉल करते हैं पाब्लो नेरुदा इस साइलेंस की प्रैक्टिस से, कि आप ऐसा ही मूवमेंट चलाओ जिस मूवमेंट में आप सब साथ रहो और आपको साथ में बांधे ये साइलेंस, और सब लोग मिलकर इंट्रोस्पेक्ट करो कि आखिर जो हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर आपको मिलेगा एलिट्रेशन, स स का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, एंड देन मैन एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो बेसिकली जब ऐसा मोमेंट आएगा जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, हम लोग रुक जाएंगे, कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन नहीं होगा, हम लोग बस साथ में रहेंगे और इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे, तो दो चीजें हमारे सामने आएंगी, पहला सेल्फ डिस्ट्रक्शन और दूसरा दूसरों का डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया है कि फिशरमैन जो है वो भी रुक जाएगा और रुककर सोचेगा कि यार मैं व्हील्स को क्यों मार रहा हूँ। वो भी रुकेगा जबकि ये उसका काम है, जबकि इसी से उसका घर चलता है, वो अपना काम कर रहा है, बट फिर भी वो रुकेगा। और ऐसा नहीं है कि वो काम करना छोड़ देगा, बट वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, वो रीजन करने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इन्वायरमेंट के साथ में खिलवाड़ कर रहा हूँ, एक मैमल के साथ में, एक स्पीशी के साथ में खिलवाड़ कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है मेरे को ये करके। दैट मीन्स आप रुकोगे और आप ये सोचोगे कि मैं क्यों दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मैं क्यों किसी और को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, किसी और की जिंदगी खराब कर रहा हूँ, किसी और की जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर रुककर ये सोचोगे कि आप कितनी एक्टिविटीज ऐसे करते हो जो दूसरों को डिस्ट्रॉय करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पाब्लो नेरुदा ने फिशरमैन का, वो कहते हैं इसी तरीके से जब सब कुछ रुक जाएगा तो एक फिशरमैन भी रुकेगा, सॉरी एक मैन का जो कि सॉल्ट कलेक्ट करता है, तो जो इंसान है वो भी रुक जाएगा जो कि सॉल्ट कलेक्ट करता है, सी में जाता है, सी में जाकर और नमक लेकर आता है और उसे बेचता है, उससे दो वक्त का उसका गुजारा होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो उसे करनी पड़ेगी दो वक्त का गुजारा करने के लिए, बट जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो वो रुकेगा और रुककर अपने हाथ देखेगा कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यार मैं ये मेरी एक्टिविटी ऐसी क्यों एक्टिविटी कर रहा हूँ जो मुझे खुद ही हर्ट कर रही है, जिसने खुद ही मेरे हाथों में छाले दे दिए। तो कहीं ना कहीं जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें अपनी एक्टिविटीज को एनालाइज करने का टाइम मिलेगा, हमें ये टाइम मिलेगा कि हम ये जान सकें कि हम कौन सी एक्टिविटीज ऐसे करते हैं जो हमें खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और कौन सी एक्टिविटीज हम ऐसी करते हैं जो दूसरों को डिस्ट्रॉय करती है। तो चाहे फिर वो इन्वायरमेंट हो, दूसरे मैमल्स हो, ह्यूमन काइंड हो, कोई भी हो, तो यहाँ पर हम सब रुकेंगे एंड फाइनली रियलाइज करेंगे कि कुछ एक्टिविटीज हम ऐसी कर रहे हैं जिनसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये जो कोल्ड सी है, इस कोल्ड सी में आपको इमेजरी भी देखने को मिलेगी, एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे हाइपरब्ली भी देखने को मिलेगा, क्योंकि समुद्र ठंडा ही होता है, बट कोल्ड सी यहाँ पर लिख दिया तो इससे हमें पता चल रहा है कि अरे मतलब तो थोड़ा एग्जैजरेशन मिल रहा है। तो हाइपरब्ली और इमेजरी दोनों आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर हर्ट
हर्ट हैंड्स के अंदर ह का साउंड रिपीट होते हुए मिलेगा जो कि एलिट्रेशन है। फिर वो बात करते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। बोला अब ऐसे में वो लोग भी रुकेंगे जिन्होंने तो जंग ही छेड़ रखी है, फिर वो चाहे इन्वायरमेंट के खिलाफ हो, अर्थ के खिलाफ जंग छेड़ दी है कि ठीक है पेड़ काटते जाएंगे, वहां पर इंडस्ट्री बनाते जाएंगे, पीछे ये नहीं सोच रहे हैं कि अब फिर ऑक्सीजन क्या करेंगे। हा? ये पेड़ को काटकर ऐसी इंडस्ट्री बना रहे हैं जो ऑक्सीजन बनाएगी। कहते इन लोगों ने ऐसी जंग छेड़ दी है जो इन्वायरमेंट के खिलाफ ही जा रही है। दूसरे लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी जंग छेड़ दी है जो प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, हर जगह गैस हो गया है, हर जगह पोल्यूशन हो गया है, सांस नहीं ले पाएंगे हम लोग। सांस लेंगे तो एक एक किलो पोल्यूशन जाएगा अंदर। और इसके बाद में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही जंग छेड़ दी है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वॉर कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट के खिलाफ वॉर छेड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गैस के साथ वॉर कर रहे हैं, दैट मीन्स जिन्होंने पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फायर के साथ वॉर कर रहे हैं, दैट मीन्स जो ह्यूमन काइंड के खिलाफ वॉर कर रहे हैं। और ये सारे के सारे लोग जिन्होंने जो इस वॉर के अंदर जुड़े हुए हैं, ये सब लोग रुकेंगे और रुक कर सोचेंगे कि हम ये वॉर क्यों कर रहे हैं। और ये सोचेंगे कि चलो मान लिया कि ये जंग हम जीत भी गए तो किस कीमत पे, ह्यूमैनिटी की, क्योंकि पीछे तो कोई रहेगा ही नहीं। आप जंग जीत के तो आ जाओगे पर पीछे तालियां बजाने वाला कोई नहीं होगा। आपकी आपकी विक्ट्री तो होगी पर उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए सर्वाइवर कोई नहीं होगा, आप अकेले ही सर्वाइव करोगे। तो अगर आप ये जंग छेड़ रहे हो और ये जंग जीत रहे हो, एट व्हाट कॉस्ट, ह्यूमैनिटी की कॉस्ट पे। जैसे ही वो ये रियलाइज करेंगे तो वो नए कपड़े पहनेंगे, वो कपड़े नहीं पहनेंगे जो खून से सने हैं, क्योंकि वॉर के अंदर आप किसी और को तो मार ही रहे हो, डिस्ट्रॉय कर ही रहे हो। वो नए कपड़े पहनेंगे, ये क्लीन क्लोथ्स के अंदर एलिट्रेशन है और इन क्लीन क्लोथ्स का मतलब है नई आइडियोलॉजी। वो नए कपड़े पहनेंगे, दैट मींस वो एक नई आइडियोलॉजी पिक करेंगे, एक नई अप्रोच पिक करेंगे कि इस धरती को तो हम सब ने बांट लिया है पर वो आसमान हम सबका है। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये जो धरती है जिसके लिए हम लड़े जा रहे हैं, ये हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा तेरा है, ये धरती को तो हम सब बांट चुके हैं पर ये आसमान हम सबका है। और ये आसमान उस शेड की तरह काम करेगा, उस छांव की तरह काम करेगा, उस छत की तरह काम करेगा जिसके अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ आर रिलीजन, कास्ट, रेस, नेशनैलिटी, हम सब वॉक करेंगे। एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हम सब वॉक करेंगे, ब्रदरहुड के साथ में, एक ब्रदरन क्रिएट करते हुए, भाईचारे के फीलिंग के साथ में। हम बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि अरे नहीं ये अभी ये मेरा दुश्मन है, इसके साथ वॉर करनी है, इसके कंट्री को जीतना है, इसके कंट्री को हड़पना है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, भाईचारे के साथ में आगे बढ़ेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, कोई डिस्ट्रक्शन के लिए एक्टिविटी नहीं होगी। What I want should not be confused with total inactivity. अब जैसे ही ये हो गया है doing nothing, तो सारे बच्चे comment section के क्या बोल रहे हैं, मैम कह रही है कि बस अभी अभी कुछ भी नहीं करना है तो मम्मी एग्जाम नहीं दूंगा, आई विल जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल। हाँ बट यहाँ पर पोएट यही बताना चाहते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसे टोटल इनएक्टिविटी के साथ में कंफ्यूज मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं ये प्रमोट करना चाहता हूँ कि सारा काम धंधा बंद कर दो और आराम करो। मैं यहाँ पर लेथार्जी या फिर पैसिविटी का प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं डेथ प्रमोट करना चाहता हूँ। इनफैक्ट वो तो ये कहते हैं लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी वही है जो जिंदगी का काम है, जिंदगी वही करती है, जिंदगी का काम है मूव करना और जिंदगी मूव करती रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप रुक गए हो। अगर आप रुक भी जाओगे तो जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी क्योंकि उसका काम है चलना। तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, उनका कोई एसोसिएशन नहीं है डेथ के साथ में। वो बोलते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है डेथ के साथ में, मैं नहीं चाहता हूँ टोटल इनएक्टिविटी, पैसिविटी, लेथार्जी, डेथ प्रमोट करना। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज जो आपको या किसी और को हार्म करती है उसके बारे में आप सोचो, हेंस इंट्रोस्पेक्ट करो। फाइनली वो बोलते हैं
इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम लोग इतने ज्यादा सिंगल माइंडेड है। अच्छा, इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो ये हो सकता है, जो आप लोग रिलेट कर सकते हो, कि किस तरीके से स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी यू बिकम सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग योर लाइफ मूविंग। यू नो, आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, अभी बच्चा नाइन्थ के अंदर आया है तो अभी वो रिलैक्स नहीं कर सकता, वो नहीं सोच सकता है कि उसे आगे क्या करना है, उसे पुश करो कि चलो अभी टेंथ पढ़, टेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सिलेक्शन होगा तुम्हारा स्ट्रीम के अंदर। फिर वो करता है तो सोचता है कि चलो इलेवेंथ विल बी चिल, इलेवेंथ बहुत ही चिल होगी, वहां पर मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट देन एवरीवन इज लाइक कि बेस बनाओ, ट्वेल्थ में ये पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन करो। फिर ट्वेल्थ में आते हैं, बोर्ड्स है, बोर्ड्स अच्छे से दो, फिर एंट्रेंस एग्जाम किलो भर के वो अच्छे से दो। फिर उसके बाद में आप सोचते हो चलो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, कॉलेज में ऐशी ऐश होगी, वो ऐशी ऐश कहीं नहीं है, कॉलेज अच्छे से करो, कॉलेज अच्छे से करोगी तो अच्छी जगह प्लेसमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। कॉलेज अच्छे से किया, फिर प्लेसमेंट की दौड़ में लग गए, फिर प्लेसमेंट अच्छे से हो गया तो जॉब के अंदर बेहतर बनने की दौड़ में लग गए, फिर प्रमोशन की दौड़ के अंदर आ गए। ये तो करियर की साइकिल है, इसके साथ में लाइफ की साइकिल में भी यही रेस चलती रहती है। हम लोग कभी किसी एक दिन शांति से नहीं बैठते हैं कि चलो आज बैठ जाते हैं और सोच जाते हैं कि आखिर मैंने ये किया क्यों था, मेरे को किसने कहा था साइंस लेने के लिए, समझ ही नहीं आता। कि एक दिन बैठकर सोचे तो सही कि मैंने शुरू क्यों किया था यार, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ क्या मैं करना चाहता हूँ या मेरे से करवाया जा रहा है, मैं इसको करके खुश हूँ क्या, इस एक्टिविटी के अंदर मैं खुद को या किसी और को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो तो एक बार क्वेश्चन बैंक जरूर देख लेना, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि इमेजिन करो कि ये जो लाइन है वो आपके लिए लिखी गई है, तो आपको यही सब वहां बताना पड़ेगा कि कैसे आपकी जिंदगी बच्चों रेस की तरह शुरू हो जाती है और बस वो रेस चलती रहती है और वो रेस कभी खत्म ही नहीं होती है और कभी भी हम रुक नहीं सकते। और कमाल की बात यह है कि आप जानते हो ये बात फिर भी आप रुक नहीं सकते, बिकॉज यू फील नहीं नहीं मैम क्या बात कर रहे हो, एक दिन रुक जाऊंगा मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक गिर जाएगी, है ना। हम एक दिन भी नहीं रुक सकते हैं क्योंकि ये रेस इतनी खतरनाक है कि जिस मिनट हम ये सोचेंगे कि अभी हम रुक जाएंगे उस मिनट हमें ऐसा लगेगा लो हजार लोग हमारे को क्रॉस कर गए। ये रेस आपको बस एकदम यू नो, हम इतने सिंगल माइंडेड हो गए हैं दैट हम इसके पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं और बस इस रेस में ही चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए रुक जाते और कुछ ना करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और बस एकदम चुप हो जाते, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। हम लोग बहुत बार अपने लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, बहुत बार अपने आप को डराते, अरे ग्रीन टी पी लो मौत हो जाएगी नहीं तो। कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोग, कितने सारे बिजनेसेज हैं जो हमें बेच देते हैं सिर्फ ये कहकर क्योंकि इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी, अरे ये करना है नहीं तो इससे फिर तुम्हारे को ये बीमारी हो जाएगी, इससे मौत हो जाएगी। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, मौत इज द अल्टीमेट ट्रूथ और बहुत सारी वजह उसकी होती है। बट इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी जिंदगी को काटना शुरू कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें जिंदगी काटनी है इन ऑर्डर कि बस वो मौत थोड़ी डीले हो जाए बजाय जिंदगी जीने के। तो पोएट यहाँ पर ये बोलते हैं कि कभी कभी हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, खुद के लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, खुद को डराते हैं कि नहीं नहीं तेरे को ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम एंड से डरते हैं। और इसकी वजह से वो सैडनेस आती है क्योंकि हर एक इंसान स्पेशल है और हर एक इंसान के लिए एक अलग स्टैंडर्ड होता है, हर एक इंसान जो है उसे अपने आप को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। बट क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं हम सैड हो जाते हैं और इस सैडनेस का कोई तोड़ नहीं है सिवाय इंट्रोस्पेक्शन के। परहैप्स इस बड़े से ये जो सैडनेस है इसको एक बड़ा सा साइलेंस जो है वो शायद ब्रेक कर देगा। हो सकता है कि अगर आप एकदम इंट्रोस्पेक्ट करो, एकदम चुप हो जाओ तो शायद आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे और शायद आप इतने सैड नहीं रहोगे क्योंकि आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। फाइनली वो कंक्लूड करते हैं ये कह के, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज When everything seems dead and later proves to be alive, बोला आप अर्थ से सीख सकते हो। अर्थ जो है, अर्थ आपको सिखा सकती है कि किस तरीके से शांत रहकर भी जिया जा सकता है। अर्थ को दूर से देखोगे तो वो बाकी प्लैनेट्स के जैसी ही दिखती है, पर अर्थ के ऊपर जिंदगी है,
अगर एक क्लोजर लुक से देखोगे तो वहां पर जिंदगी है, पर अर्थ इस चीज को प्रूव करने के लिए प्लूटो से नहीं जा भिड़ती। हाँ ऐसा तो वो नहीं करती, तो हम लोग क्यों अपनी जिंदगी के लिए डिस्ट्रक्शन का जो वे है उसे चूज कर लेते हैं। तो अर्थ शायद हमें यहाँ पर यह सिखा सकती है कि हम लोग किस तरीके से शांत रहकर भी जी सकते हैं। इसके अंदर दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं वो ये है कि बहुत बार हमारी लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि बस अब तो खत्म हो गया सब कुछ। बट इफ यू टेक अ क्लोजर लुक आफ्टर यू हैव इंट्रोस्पेक्टेड, आप एक क्लोजर लुक अगर देते हो और आपने थोड़ा टाइम अगर ले लिया है और अगर आप इंट्रोस्पेक्ट कर चुके हो तो डेड अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी आपको नए आइडियाज मिलते हैं। तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि शांति से आप शायद बहुत सारे काम कर सकते हो बजाय डिस्ट्रक्शन। इसी अर्ज के साथ में पोएट कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं मेरा इंट्रोस्पेक्शन जो है वो शुरू करने वाला हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ, टाटा बाय बाय। हमें भी बोल के गया है कि देखो मैं भी इंट्रोस्पेक्ट करने जा रहा हूँ, अब तुम भी इंट्रोस्पेक्ट करो ताकि ये दुनिया इंट्रोस्पेक्शन के चलते एक बेटर प्लेस बन सके। यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अर्थ जो है वहां पर आपको पर्सोनिफिकेशन मिलेगा क्योंकि अर्थ हमें कुछ सिखा नहीं सकती है। तो यहाँ पर टीच जो है वो ह्यूमन क्वालिटी है क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी इसे साइन कर दी है, तो यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ में क्लीन क्लोथ्स के अंदर एलिट्रेशन है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ये वॉश जो है ये रिपीट हो रहा है इसके साथ में क्योंकि एक आइडिया के बाद में कॉमा लगा के इसे रिपीट किया है, तो इसे एनाफोरा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बार बार वॉर्ड्स, ग्रीन वॉर्ड्स, वॉर्ड्स विद गैस, वॉर्ड्स विद फायर, वॉर्ड्स विद गैस एंड वॉर्ड्स विद फायर के अंदर रेपिटेशन एनाफोरा दोनों आ सकता है। एंड दैट्स इट। सो ये इसी पोएम के थ्रू अभी हमें पोएट ने बता दिया है कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंट्रोस्पेक्ट करना, साइलेंट हो जाना, अंडरस्टैंड करना खुद को ताकि से हम और ज्यादा बेटर कर सके जिंदगी के अंदर, वो भी बिना किसी को डिस्ट्रॉय करे। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together. We would में वर्ब का साउंड है तो इसमें भी एलिट्रेशन होगा। In a sudden strangeness. All right. Question number one कहता है, the poet uses the word let's to initiate a conversation between poet and the readers. Invite readers as part of a poem's larger call to humanity. Welcome readers into the world of the poem and its subject, or address readers as fellow members of human race. हाँ जी, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इसका? अच्छा, बीपी सर आ गए चैट बॉक्स में। ओह हाँ जी, अच्छा बी होना चाहिए क्या आंसर इसका? सर मान गए सर, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी, इनवाइट रीडर्स एज पार्ट ऑफ पोएम्स लार्जर कॉल टू ह्यूमैनिटी। क्योंकि यहाँ पर पोएट क्या करना चाहते हैं, पोएट यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर सारे के सारे लोग, मतलब पोएट तो है ही इस पूरे के पूरे यू नो कह सकते हैं मूवमेंट में सबसे आगे, बट वो हम सबको भी बुला रहे हैं इस मूवमेंट के अंदर कि चलो सब मिलकर इंट्रोस्पेक्ट करें। एंड दैट इज व्हाई वो लेट्स का यूज करते हैं। हाँ आजकल मैं मैथ और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, अगर आप ये आप इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो सर फिर हम क्या करेंगे, हम जॉब छोड़ दें? मैं जॉब छोड़ दूं फिर और क्या? ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई
मेरे को लगता है मेरे को भी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव मार्गरेट ऑटवुड सेड, लैंग्वेज डिवाइड्स अस इनटू फ्रेगमेंट्स, आई वांटेड टू बी होल। तो मार्गरेट ऑटवुड ने एक बार कहा था, लैंग्वेज डिवाइड्स अस इनटू फ्रेगमेंट्स, आई वांटेड टू बी होल। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कमेंट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्गरेट ऑटवुड्स वर्ड्स एंड द लाइन फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्टली कमेंट करे इन दोनों की रिलेशनशिप में, मतलब जो बात मार्गरेट ने कही और जो बात पाब्लो ने कही। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आपके पास ऑप्शन है, ऑटवुड एंडोर्सेस नरुदास कॉल टू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ऑटवुड जस्टिफाइज नरुदास रिक्वेस्ट टू नॉट एंगेज इन एनी स्पीकिंग, ऑटवुड अंडरमाइंस नरुदास इंटेंट टू स्टॉप एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, या फिर ऑटवुड सरेंडर्स टू नरुदास डिजायर फॉर साइलेंस एंड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका? सर कॉपी कर रहे हैं। ओहो, ए इज द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑटवुड क्या करती है, ऑटवुड यहाँ पर एंडोर्स करने की कोशिश कर रही है नेरुदास कॉल टू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। नेरुदा का जो कॉल है कि चलो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें बात नहीं करनी चाहिए, एंड हेंस जो ये डिविजन हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे करते हैं वो डिविजन नहीं होना चाहिए, बस इसी आइडिया को ऑटवुड भी हमारे पास फॉरवर्ड कर रही है। तो वो भी हमारे पास सेम आइडिया, ये नरुदा वाला आइडिया जो है उसी आइडिया को लेकर आई है। वो भी यही कहना चाहती है कि लैंग्वेज हम लोगों को फ्रेगमेंट्स में, झुंड में डिवाइड कर देते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, बट मुझे टुकड़ा नहीं, मुझे एक होल बनना है। दैट मीन्स हम सब ह्यूमैनिटी से लिंक्ड होने चाहिए, लैंग्वेज से डिवाइडेड नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द पोएट एम्प्लॉयज वर्ड्स लाइक एग्जॉटिक एंड स्ट्रेंजनेस। आपको क्या लगता है पोएट ने एग्जॉटिक और स्ट्रेंजनेस जैसे वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया होगा? आपके ऑप्शंस है, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी वन बींग टूगेदर सडनली फॉर वंस। ऑप्शन बी कहता है, टू एम्फसाइज द फेरेंटिक एक्टिविटी एंड केओस दैट यूजुअली एनवेलप्स ह्यूमन लाइफ। टू इंडिकेट द अनफेमिलैरिटी ऑफ अ सडन मोमेंट विदाउट रश और विदाउट इंजन। टू डायरेक्ट अस टूवर्ड्स कीपिंग क्वाइट एंड हाउ वी वुड ऑल बी टूगेदर इन दैट साइलेंस। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का? अच्छा, इसका करेक्ट आंसर मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बी है। यार वो हम लोगों को जब इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, हमें रुकने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी बातों को वो एग्जॉटिक और स्ट्रेंज इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी चीज जो है हमारे लिए रुक जाना, हमारे लिए इंट्रोस्पेक्ट करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये हमारे लिए बहुत ही अलग है क्योंकि हमारी जिंदगी तो यही सारे केओस और लड़ाई झगड़ों के से भरी हुई है। किस तरीके से पूरी ह्यूमन लाइफ जो है हम यही करते रहते हैं, हमारी पूरी लाइफ जो है वो रेस से ही भरी हुई है। तो ये कहना कि अरे रुक जाओ, कुछ मत करो, सब कुछ अभी इंट्रोस्पेक्शन पे छोड़ दो, पहले इंट्रोस्पेक्ट करो, ये बहुत ही अलग होगा क्योंकि हमारी यूजुअल लाइफ जो है, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, वो इन्हीं लड़ाइयों और केओस से घिरी हुई है। बी ज्यादा प्रोमिनेंट और बेटर आंसर होगा। इसीलिए तो वो स्ट्रेंज और एग्जॉटिक होंगे। भाई कोई चीज आपके लिए रेयर या स्ट्रेंज या एग्जॉटिक क्यों होती है? क्योंकि आप यूजुअली उसे नहीं करते हो, है ना? तो यूजुअली आप उसको ऑपोजिट करते हो, तभी तो वो आपके लिए स्ट्रेंज या रेयर हो जाता है। तो यूजुअली आप लड़ाई झगड़े करते रहते हो, रेस में भागते रहते हो, बट देन इसके बाद में अगर आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोल दे, साइलेंट रहने के लिए बोल दे, तो वो स्ट्रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the option that correctly matches the idioms given in column A with their meaning in column B. आपको कुछ idioms दिए हुए हैं column A में और कुछ meanings दिए हुए हैं column B में, match करने।
एक तरफ है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट ऑन अर्थ समथिंग, नो नो नो, मूव हेवन एंड अर्थ द सॉल्ट ऑफ अर्थ. ये जो समथिंग है ये समथिंग अकम्प्लिश के साथ जुड़ा हुआ है. ओके तो क्या लगता है, इन एग्जिस्टेंट टू ऑल, टू डू ऑल पॉसिबल टू अकम्प्लिश समथिंग, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक, या टू बी गुड एंड वर्दी. मैच करके देखिए. हाँ, इसके अंदर कभी भी ऐसे करने का नहीं है, आपको सबसे पहले एक मैच करना है. एक मैच करते ही बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, अपने आप आंसर निकल कर आएगा. सारे मैच करने बैठोगे टाइम भी वेस्ट होगा और चांसेस हैं कि आंसर भी सही नहीं निकलेगा. यार मुझे ये तो पता है ना कि ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब इन एग्जिस्टेंस हो गया, कि प्लेनेट पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो मुझे ये पता चल गया कि यार वन का तो वन होगा, तो वन का वन होगा तो सी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया. अब इसके बाद में वन मेरा पूरा ब्लॉक हो गया. अब मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि टू का फोर्थ होगा या टू का थर्ड होगा. टू कहता है व्हाट ऑन अर्थ, और फोर्थ कहता है टू बी गुड एंड वर्दी, और थर्ड कहता है टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक. क्या लगता है, मुझे लगता है व्हाट ऑन अर्थ, ये व्हाट जो है ये कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सरप्राइज, एक एक्सक्लेमेशन का सेंस देता है. तो ये थर्ड इसके साथ में ज्यादा एप्ट है. व्हाट ऑन अर्थ का मतलब होगा टू एक्सप्रेस सरप्राइज और शॉक, क्योंकि थर्ड इसके साथ फिट हो जाएगा. तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड हेंस बी विल बी द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट अप्रोच ऐसे वाले क्वेश्चंस करने की. ये सबसे करेक्ट अप्रोच होती है ऐसे क्वेश्चंस करने की. ऑल राइट, बताएं किसके फोर में से फोर आए हैं. सब सही हो गया, जल्दी से बताओ ताकि हम आगे जा सके अ थिंग ऑफ ब्यूटी पे. फोर में से फोर वाले, ओके चलो कोई बात नहीं. जिनके फोर में से फोर आए हैं, बहुत ही अच्छे से समझा है अपने क्वेश्चंस को. पोएम्स तो सबको अच्छे से समझ में आती है, पर प्रैक्टिस से ही आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं या करेक्ट होते हैं. चलो नेक्स्ट. अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स ओपी कर दीजिए. जॉन की टोपी. चलो अब जब तक आप ओपी कर रहे हो मैं एक बार बैटरी चेंज कर लेती हूँ, ताकि हमारे भी माइक में कोई भी डिसरप्शन बीच बीच में ना हो. चलो आई एम बैक. ओके आप क्वालिटी ऊपर से इंक्रीज कर लीजिए एक बार. जॉन की टोपी कर दिया तो चलो फिर इसी बात पे शुरू करते हैं. खूबसूरत चीजों के बारे में इस पोएम के अंदर बात की गई है. जैसे कि आपको नाम दिखता है पोएम का अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दैट मींस यहाँ पर वो ब्यूटी को किसी भी पैरामीटर के साथ में जज नहीं कर रहे. हमारी सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या होती है, हम खूबसूरती को पैरामीटर्स के साथ में जज करते हैं. हमें बचपन से ही बता दिया जाता है कि क्या तो खूबसूरत है और क्या अगली है. क्यों, किसने बताया ये, किसने बताया कि कोई एक कलर जो है वो खूबसूरत होता है और दूसरा अगली होता है, या कोई एक
कोई भी एक पैरामीटर हम लोग इतना इतना दिमाग के अंदर सोच के चलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं खूबसूरती की तो बस यही डेफिनेशन है। अरे हर चीज के अंदर खूबसूरती होती है अगर आप उसे खूबसूरत नजरों से देखो, ठीक है। और यही चीज के बारे में अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो यही बताना चाहते हैं कि हम बहुत बार खूबसूरती को पैरामीटर्स खूबसूरती के लिए पैरामीटर्स सेट कर देते हैं कि नहीं ये चीजें होगी तभी खूबसूरत होगा नहीं तो नहीं। और यहाँ पर हम पूरे पोएम के अंदर ये समझेंगे कि खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग है। अगर खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ देखने से जुड़ी होती कि जो चीज आपको प्राइमा फेसी खूबसूरत दिख रही है अरे वाह बहुत खूबसूरत है तब तो बात ही क्या थी। खूबसूरती जो होती है वो एक एहसास है, एक तरीके की फीलिंग है। और आपके लिए कोई एक चीज जो खूबसूरत हो सकती है, हो सकता है वो मेरे लिए खूबसूरत ना है। सो हर एक इंसान का खूबसूरती को देखने का नजरिया अलग है, उसे महसूस करना अलग है। और क्योंकि ये एक फीलिंग है ये हमारे साथ हमेशा रहती है, हमारे दिमाग पर एक इम्प्रिंट बनाकर रखती है। पूरी पोएम का सिर्फ एक ही आइडिया है और वो ये है कि एक बार अगर खूबसूरती को आप महसूस कर लेते हो ना किसी भी शेप के अंदर, अगर आप एक बार खूबसूरती को महसूस कर लेते हो उसका इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल इम्प्रिंट क्रिएट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट वो आपके दिमाग पर बनाती है कि उसके बाद में आप कुछ और नहीं उसको कभी भी खूबसूरत नहीं मान सकते हो। आप हमेशा हमेशा जब भी उसके बारे में सोचते रहोगे बिकॉज आपके दिमाग पे वो मेंटल इम्प्रिंट है, आप हमेशा खुश होगे। जो फीलिंग उसने पहली बार आपके अंदर लेकर आई थी वो फीलिंग वो मल्टीप्लाई करती जाएगी। दैट मींस आइडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि खूबसूरती जो है वो हैप्पीनेस लेकर आती है, और जितनी बार आप उन खूबसूरत चीजों को जो आपने एक बार फील की है उन्हें इमेजिन करते रहोगे उतनी बार वो हैप्पीनेस जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो ये आइडिया जो है पूरे के पूरे पोएम में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये पोएम जो है वो एक एक्सर्प्ट है। अगर हम बात करते हैं जॉन कीट्स की तो वो रोमांटिक एरा के पोएट रहे हैं एंड इसके साथ में उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है लिटरेचर में अपने पोएट्रीज के थ्रू। पहले वो सर्जन बनना चाहते थे एंड देन वो लिटरेचर के अंदर आ गए। ये जो पोएम है ये पोएम एक्चुअली एक एक्सर्प्ट है पोएम एंडी मेयोन का। सो ये एक पोएटिक रोमांस है जो कि उन्होंने लिखा था, जिसके अंदर एंडी मेयोन जो है वो एक शेफर्ड है, एक चराहा है जो भेड़ों को चराता है। तो वो जो है उसको एक बार मून गॉडेस सिंथिया दिख जाती है एंड जैसे उसे मून गॉडेस सिंथिया दिखती है एकदम से बस वो वापस से उसी ब्यूटी को सीख करना चाहता है और बस उसी की तलाश के अंदर निकल जाता है। जब वो उसकी तलाश के अंदर निकलता है तो उसे पता चलता है कि यार खूबसूरती तो हमारी खुद की नजरों में होती है, हम जिस चीज को देखें वो खूबसूरत है। तो जब वो उस रास्तों से गुजरता है उसको ढूंढने के लिए तो वो सारे के सारे रास्तों में उसे कुछ एक चीजें दिखती है एंड दैट्स हाउ वो फिगर आउट करता है कि कैसे हर एक चीज के अंदर खूबसूरती है और बस हमें बस उसे महसूस करना चाहिए। एक बार हम उसे महसूस कर लेते हैं तो वो हमें बहुत हैप्पीनेस देती है और वो हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होती रहती है। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है पोएटिक रोमांस एंडी मेयोन का भी एंड वही आपको यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी में देखने को मिलेगा। एक ग्रीक लेजेंड है ये और यहाँ पर इसका एक सिर्फ एक्सर्प्ट आपको देखने को मिलने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कुछ नेचुरल कुछ मैनमेड फैक्टर्स की जिनको खूबसूरत बताते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स। शुरू करते हैं पोएम की। तो हमने यहाँ पर सेंट्रल थीम डिस्कस कर लिया है, पोएट किस तरीके के पोएट है वो डिस्कस कर लिया है, कोई बैकग्राउंड है पोएम का वो डिस्कस कर लिया है। तो आपके आंसर्स चाहे क्वेश्चंस कितने भी टेढ़े आए आपके आंसर्स में ये सब होना चाहिए। ऑलराइट, तो आपका ये पूरा एक्सट्रैक्ट शुरू होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीडिंग। बोला कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, कोई भी खूबसूरत चीज जो है वो एक सोर्स है जॉय का, कि हमेशा हमें वो जॉय ही प्रोवाइड करती रहेगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी लवलीनेस जो है वो बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी वो नथिंगनेस के अंदर पास नहीं होगी। दैट मीन्स इसकी लवलीनेस जो है वो इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक चीज जो आपने एक दिन खूबसूरत मान ली दूसरे दिन यू विल बी लाइक नहीं नहीं ये तो खूबसूरत नहीं है। बिकॉज जैसे ही आप किसी चीज को खूबसूरत बोलते हो इट्स अ फीलिंग और फीलिंग को आप कभी भी इरेज नहीं कर सकते हो। एवरी टाइम जब आप उस चीज को अपने दिमाग में रखोगे हर बार आपको यही फील होगा, हर बार आपको खुशी फील होगी और मल्टीप्लीकेशन के साथ फील होगी।
खूबसूरती जो है ना वो एक बोर की जैसी है, एक छांव की जैसी है, जैसे कि एक पेड़ की छांव हो, तो वो जो कामनेस नहीं होती है, वो जो पीस नहीं होता है, आप बहुत ज्यादा धूप में चल रहे हो, फिर आपको एक पेड़ दिखता है और उसकी छांव एकदम ठंडी होती है, और वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि इतना जो आप भीड़ में धूप में चल रहे थे, अब आप यहाँ पर आए हो तो आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, एक अजीब सा रिलीफ आपको वहां पर मिल जाता है। बस इसी कामनेस, इसी पीस, इसी रिलीफ, इसी रिलैक्स को एक बोर की यानी कि छांव की कंपेयर किया गया है खूबसूरती के साथ में। सो यहाँ पर है मेटाफर, यहाँ पर मेटाफर प्रेजेंट है कि कैसे एक शेड जो होती है, एक छांव जो होती है, वो आपको बहुत काम फील कराती है, वैसे ही खूबसूरत चीजें भी आपको काफी काम फील कराती हैं। तो बोला खूबसूरत चीजें आपको वैसा फील कराएंगी, एंड अ स्लीव फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक खूबसूरत चीजें जो होती है वो इतनी केपेबल होती है, जैसे मानो वो नहीं होती, एक, एक, एक अच्छी नींद आती है जिसमें हम बहुत अच्छे सपने देखते हैं, तो कोई ऐसी नींद से कहाँ उठना चाहता है जिसमें वो अच्छे सपने देख रहे हो, जहाँ पर हम अच्छे सपने देख रहे होते हैं और उन सपनों को हम कभी खत्म नहीं करना चाहते, हम उस नींद से भी नहीं उठना चाहते। बोला ऐसी होती है खूबसूरती की फीलिंग, खूबसूरती की फीलिंग या खूबसूरती ऐसी फीलिंग लेकर आती है जैसे मानो हमारे अच्छे सपनों भरी नींद हो, या फिर हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यार हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, व्हेन यू आर इन गुड हेल्थ यू आर हैप्पी। लाइफ में आप मान लीजिए 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आपकी, अब बाकी की जो 10% प्रॉब्लम है वो आप एनीवे सॉल्व कर लोगे बिकॉज यू आर इन गुड हेल्थ। तो बोला कि ये खूबसूरती जो है, खूबसूरती हेल्थ लेकर आती है और हेल्थ के समान ही होती है, जैसे हेल्थ होती है व्हेन यू आर फिट एंड यू आर ऑल यू नो हैप्पी एंड यू वांट टू डू थिंग्स एंड यू वांट टू अकम्प्लिश थिंग्स एंड यू वांट टू डू गुड एंड गुड टू अदर्स एंड फॉर अदर्स एंड फॉर ग्रेटर गुड। तो आपके अंदर वो हेल्थ होती है एंड आप उसी को प्रमोट करना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। खूबसूरती वो है, खूबसूरती चैन की सांस है जो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। नो अमाउंट ऑफ मनी या कोई भी अमाउंट ऑफ मटेरियलिस्टिक चीजें जो है आपको चैन की सांस नहीं दिला सकती है, जो खूबसूरती दिला सकती है। तो इट्स लाइक क्वाइट ब्रीदिंग, आप एकदम शांत होकर सांस ले रहे हो, वो एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती में मिलता है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि खूबसूरती एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप चैन की सांस ले रहे होते हो, जो शायद आपको और किसी चीज से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये रीजन है कि खूबसूरती क्योंकि फीलिंग से जुड़ी हुई है, हम हर सुबह उठते हैं, therefore on every morrow, मतलब हर सुबह उठते हैं और हर दूसरे दिन, आर वी रेडिंग के अंदर इन्वर्जन है क्योंकि आर पहले आया है और वी बाद में आया है। आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, हर सुबह हम उठते हैं और उठकर एक माला पिरोते हैं, हर सुबह उठकर एक माला पिरोते हैं जिसका एक सिरा हमारे हाथ में होता है और उन खूबसूरत चीजों से जुड़कर एक सिरा अर्थ के हाथ में होता है। एक माला होती है जिस माला को हम लोग जोड़ते, एक माला है जो हमें जोड़ती है अर्थ के साथ में एवरी मोरो, और ये माला खूबसूरत चीजों की होती है। जैसे मैंने बोला एक माला हम पिरोते हैं, आपने उस फ्लावरी बैंड को इमेजिन कर लिया क्योंकि फ्लावरी बैंड में इमेजरी है, इसके साथ में फ्लावरी बैंड का मतलब जो यहाँ पर है वो खूबसूरत चीजों से है, तो आपको यहाँ पर मेटाफर भी देखने को मिलता है। तो हम लोग हर सुबह उठते हैं और एक माला पिरोते हैं जो हमें अर्थ के साथ जोड़ती है, ये माला और कुछ नहीं खूबसूरत चीजें ही है। ओके, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन ड्रेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज made for our searching, yes, in spite of all, some shade of beauty moves away the pall. देखो यार, लाइफ के अंदर फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, यार लाइफ के अंदर कभी कभी हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, भगवान को क्वेश्चन करते हैं, क्यों भगवान मैं क्यों, नहीं आपको, आपको मेरे जिंदगी के अंदर ये सारे चैलेंजेस क्यों डालने थे, नहीं आपको मैं गेम लग रहा हूँ कोई, नहीं क्योंकि अगर आपको मैं गेम लग रहा हूँ तो आप जीत गए हो, पर हो गया अभी तो, ये क्या आप और इसका लेवल बढ़ाए जा रहे हो। कभी कभी हम लोग ऐसा सोच रहे होते हैं, क्यों सोच रहे होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, हम 100% दे रहे होते हैं, हमें 100% नहीं मिल रहा होता, चीटिंग। हम किसी इंसान पे भरोसा कर रहे होते हैं, किसी इंसान को प्यार कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से अपने इमोशंस उस इंसान को दे रहे होते हैं, ऐसे इमोशंस वो हमें रेसिप्रोकेट नहीं करता, इनफैक्ट हो सकता है इन रिटर्न वो हमें धोखा देता हो। कितनी बार हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हमें धोखे मिलते हैं, तो हम ये सोचते हैं भगवान इस दुनिया के अंदर इंसानियत नहीं बची है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं और आप कैसे गलत चीज को जीतने दे रहे हो।
हम थक जाते हैं यार इसके साथ में, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि आज दिन ही खराब है यार, आज दिन ही खराब है यार, आज कुछ नहीं हो सकता, आज मैं कोई काम नहीं कर सकता, नहीं पढ़ाई हो सकती, नहीं मैं आज फुटबॉल खेल सकता, या ये हो सकता या वो हो सकता, कभी कभी हमारे दिन ही खराब हो रहे होते हैं, कभी हमें ऐसा लगता है कि ठीक है इन्होंने यहाँ पर ग्लूमी डेज मेंशन किया, कभी कभी ये भी मेंशन करना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे सामने चॉइसेस होती है। आपने बचपन में वो पढ़ा था द रोड नॉट टेकन, तो ऐसा होता है हमारे साथ, हमारे पास चॉइस होती है बच्चों, हमारे पास चॉइस होती है कि हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, और हम ही करते हैं वो चॉइस भी मेक। तो कभी कभी हम एक ऐसी चॉइस जो है वो मेक कर लेते हैं जिसके आगे का रास्ता डार्क है, अनहेल्दी वेज है, हमने चूज किया उसे तो उसके साथ जीना पड़ेगा। तो लाइफ के अंदर ये सारी नेगेटिविटीज जो है, ये सारी नेगेटिविटीज जो है हम लोगों को जो लाइफ से दूर ले जाती है, और हम सोचते हैं कि थक गए हैं, अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम एकदम से थक जाते हैं जब, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी हो, हमारा दिन खराब जा रहा हो, हमारी बैड चॉइसेस हो, इन सारी चीजों के साथ में जब हम थक जाते हैं, ये नेगेटिविटी से जब हम थक जाते हैं, तब किसी शेप के अंदर अगर खूबसूरती आ जाए, यहाँ पर बोला सम शेप ऑफ ब्यूटी, हम सर्च करते हैं और जैसे ही हमें जीने की वजह मिल जाती है इन एनी शेप, तो आपको यहाँ पर इसके लिए ये जरूरत नहीं है कि मैम बोल रही है कि अरे अभी आप डिसअपॉइंटेड हो गए हो तो यू शुड यू नो गो टू माउंटेन्स, लाइफ में डिसअपॉइंटेड हो तो रन टू माउंटेन्स, जाओ माउंटेन्स में चले जाओ, नहीं ऐसा नहीं है, आपको ना माउंटेन्स में जाने की जरूरत है, ना बीचेस में जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी फॉर्म के अंदर खूबसूरती हो सकती है। हो सकता है कि आपका दिन बहुत बेकार जा रहा हो और पापा है, एंड पापा इज लाइक सन आई एम प्राउड ऑफ यू, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉटर, एंड आपका दिन एकदम बन जाता है यार, एकदम दिन खराब जा रहा था खत्म हो चुका था और एकदम से वो दिन बन गया है, आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट डॉटर, क्या समझते हो तुम, ऐसे समझते हो क्या मेरे को, या फिर बस यू नो इट्स लाइक आपकी मॉम बैठी हुई है, आपका दिन बहुत बेकार जा रहा है, यू फील चीटेड, लोग आपके साथ धोखे करते हैं, आपको चीट करते हैं, एंड जस्ट यू नो आप उनकी लैप में जाकर, एंड देन यू जस्ट लाई डाउन देयर, एंड देन यू आस्क मॉम, मॉम ऐसा क्यों होता है, एंड देन मॉम आपको बोलती है कि तू तो अच्छा है ना, तू अपने टाइम पे सारी चीजें अच्छी करता है, तू सही रास्ते पे चलता है, तू बस उसका सोचना, तू किसी और चीज के बारे में मत सोचा कर, आलू पराठा खाएगा, एंड देन एकदम से हम खुश हो जाते हैं, हाँ खाऊंगा, सो इट कैन कम इन एनी शेप, हो सकता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड का फोन आया, अरे सुन मोमोज खाने चल रहा है, इट कैन कम इन एनी शेप, बट इट लाइट्स यू अप, दिस इज लाइफ। आप ये मत सोचिए कि जिंदगी के अंदर चैलेंजेस नहीं आते हैं, सारी जिंदगी के अंदर, हम सबकी जिंदगी के अंदर चैलेंजेस आते हैं, नेगेटिविटीज आती है, ऐसा लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम सही हैं लोग गलत हैं, पर लोग सही होते जा रहे हैं, लोगों को सही दिखाए जा रहे हैं, हम लोग बहुत बार ऐसी चीजें सोच रहे होते हैं कि दुनिया में ह्यूमैनिटी नहीं है क्या, आज का तो दिन ही खराब है यार, ये क्यों कर रहा है यार मैंने, बट देन अगर हम लोग यही सोचते और इसी नेगेटिविटी के साथ जीते तो शायद हम लोग ज्यादा दिन जी नहीं पाते। आपको क्या लगता है हमारी लाइफ कैसे चली जा रही है, कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, ये कॉन्स्टेंट मोटिवेशन से चले जा रही है, और जब मैं कह रही हूँ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, तो इसके लिए आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि तू आग लगाएगा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट मोटिवेशन अपने आप मिलेगा इन फॉर्म ऑफ दैट फीलिंग, वो खूबसूरत फीलिंग के फॉर्म में, और वो आप खुद ढूंढोगे, हर एक इंसान के लिए वो अलग होगी। तो जब ऐसा होगा कि आपको किसी शेप के अंदर कोई खूबसूरत चीज मिलेगी और आपको वो मोटिवेट करेगी कि अरे हो गया यार, कोई बात नहीं, तू रो लिया, उठ जा, चल अभी हो गया, अभी फिर से ट्राई करते हैं, हसल करते हैं और फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कांस्टेंट मोटिवेशन है ये हमें आगे लेकर जाता है, और हमारी डार्क स्पिरिट्स, हमारी नेगेटिव स्पिरिट से, ये जो क्लाउड है जो हमारे पूरे स्पिरिट को नेगेटिविटी के साथ में घेर लेता है, उस क्लाउड को निकाल फेंकता है, हमारी स्पिरिट जो है वो फिर से मोटिवेशन वाली हो जाती है, हम फिर मोटिवेटेड हो जाते हैं क्रैक करने के लिए कि बस अब तो बस हम हसल करेंगे, हम गिरेंगे पर फिर उठेंगे।
ठीक है, तो यहां पर ये जो पैराग्राफ है इसमें जब भी इन्फेरेंस आएगा लुक फॉर मोटिवेशन, क्योंकि खूबसूरती यहाँ पर किसी भी शेप में आएगी विदाउट एनी पैरामीटर्स, और वो आपको मोटिवेट करेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको रिगार्डलेस ऑफ ये जो नेगेटिविटी आपके जीवन के अंदर होती है ये आपको मोटिवेट करती है चलते रहने के। अब यार यहाँ पे हम खूबसूरत चीजों की बात कर रहे हैं, तो कुछ खूबसूरत चीजों को यहाँ पर नेम भी कर दिया है, बोला कि ठीक है आप खूबसूरत चीजों की बात ही हो रही है तो यहाँ पर कुछ नेचुरल चीजों को नेम किया है। सच द सन द मून, हमारी गलती पता है क्या, हम लोग उदास भी इसके लिए होते हैं क्योंकि हमने पैरामीटर एकदम सेट किया हुआ है, कहता सन बहुत खूबसूरत है क्योंकि बिगिनिंग है, हमें मून खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि ऐसा लगता है वो एंड है। यहाँ पर पोएट कहते हैं खूबसूरती अगर बिगिनिंग में भी है तो एंड में भी है, अगर सन खूबसूरत है तो इक्वली खूबसूरत रात है और मून है, क्योंकि हर रात के बाद फिर सवेरा होता है और फिर सन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सन में भी खूबसूरती है, बिगनिंग में भी खूबसूरती है और एंड में भी। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, हम एज के साथ में खूबसूरती को टाई कर देते हैं, हम सोचते हैं यार कोई इंसान जो 20 साल का है 25 साल का है हाँ 30 साल तक है वो एकदम खूबसूरत है, और उसके बाद में हम लोग ढलने लग जाते हैं, ओल्ड होने लग जाते हैं, नहीं नहीं अब तो आप खूबसूरत नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खूबसूरती एज से कुछ काम करती है, एज का कुछ नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा छांव एक बूढ़ा ट्री देता है, सबसे गहरी छांव उसी की होती है। तो ट्रीज यंग भी बहुत खूबसूरत है और ओल्ड भी बहुत खूबसूरत है, और जो अभी तक ट्री बने भी नहीं है, अभी बीज ही है बस, उसमें से बस स्प्राउट होगा, वो भी खूबसूरत है क्योंकि वो भी एक दिन पेड़ बनेगा और हमें छांव देगा, हमें छांव देगा, जो कि कौन है, फॉर सिंपल शीप, हम सिंपल शीप है, हमें सिंपल शीप इसके लिए बोला गया है क्योंकि जीजस क्राइस्ट एक शेपर्ड थे और ह्यूमन बींग जो है वो भोले होते हैं, अपनी तरफ तो खूब चलाकियां करते हैं, अपनी तरफ से तो खूब सोचते हैं कि मैं बहुत चलाक हूँ, मैं इसको गिरा दूँ, ठीक है इसको खत्म कर दूँ, ठीक है इसका ये हड़प लूँ, ठीक है या फिर लालच कर लूँ, पर हम लोग होते भोले हैं, हम लोग इन सारी चीजों के ये जितने वर्ल्डली ट्रैप्स होते हैं इनके अंदर हम फंस जाते हैं। तो बोला कि ये खूबसूरत चीजें जो है ना वो सिंपल सीप हम जैसे भोले लोगों को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एक दिन ये जो सीड है ये भी स्प्राउट करेगा, एक ट्री बनेगा और एक शेड प्रोवाइड करेगा। एंड सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इसके साथ में वो बोलते हैं कि डैफोडिल्स भी तो खूबसूरत है, सोचो ना वो, मतलब यू नो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यू शुड सेलिब्रेट डिफरेंस। बहुत बार ऐसा होता है एंड यू लाइक मैम मैं तो वैसा नहीं हूं, पर मैं तो वैसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा। अरे तुम वैसे नहीं हो क्योंकि तुम स्पेशल हो, तुम स्पेशल हो, तुम डैफोडिल हो, तुम हरे बड के अंदर हो, पर जब तुम्हारा बड खुलेगा तो तुम येलो, ब्राइट येलो कलर के फ्लावर बन के निकल के आओगे। तुम्हारी स्टेम शायद ग्रीन हो सकती है, तुम दुनिया में अलग हो सकते हो कि ग्रीन बड में से एक येलो फ्लावर निकल कर आया है, बट वही तुम्हारी स्पेशलिटी है, तुम डैफोडिल हो। तो यही चीज वो बोलना चाहते हैं दैट वी शुड सेलिब्रेट द डिफरेंस। ग्रीन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, ग्रीन कलर की बड के अंदर रहते हैं और येलो कलर का फ्लावर निकलता है, देखोगे तो उनकी स्टेम जो है वो खूबसूरत ग्रीन कलर की होती है और उनके फूल येलो कलर के होते हैं, कितना खूबसूरती है उसके अंदर, तो डिफरेंस में भी खूबसूरती है, ये वो कहना चाहते हैं। इसके बाद कहते हैं एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। बहुत गर्मी हो रही होती है और उतनी गर्मी के अंदर अगर आपको एक नाला, बेसिकली एक रिवर मैं बोल देती हूँ क्योंकि नाला जब आप इमेजिन करते हो तो गंदा पानी दिखता है, बट एक छोटी सी स्ट्रीम जो होती है, छोटी छोटू रिवर, वो छोटू रिवर आपको बहती हुई दिखती है और वो रिवर एकदम क्लियर है, एकदम साफ पानी की रिवर है, और वो जो रिवर है उस रिवर में एकदम ठंडा पानी आ रहा है। सोचो बाहर बहुत गर्मी है और आपको एक ऐसी रिवर देखने को मिलती है जिसमें ठंडा साफ पानी है, वो जो इफेक्ट प्रोवाइड करती है, वो जो कूलिंग इफेक्ट आपको मिलता है वो सरियल है, और उस टाइम पे आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको आप थक गए हो, आपको पसीना निकल रहा है, आप गर्मी में हो और कोई आकर कहता है लो मर्सिडीज ले लो, नहीं चाहिए मर्सिडीज, पानी चाहिए अभी, आपको उस वक्त ये भी नहीं सूझेगा कि ड्राइव करके मैं पानी की बोतल ले सकता हूँ। बट एक ये चीज बताना चाहते हैं कि जैसे हॉट सीजन के अंदर खूबसूरती ऐसी होती है जैसे कि हॉट सीजन के अंदर कोई आपको साफ ठंडे पानी की स्ट्रीम मिल गई हो, ऐसा होता है खूबसूरती। इसके साथ में वो बोलते हैं कि खूबसूरती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी द मिड फॉरेस्ट ब्रेक
रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, कि शायद फॉरेस्ट के बीचों बीच जब आप रुकते हो, बड़े बड़े ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको एक अजीब सी स्मेल देखने को मिलती है छोटे छोटे श्रब्स की। ये बड़े बड़े पेड़ जो है, इनमें छोटे छोटे श्रब्स आपको देखने को मिलेंगे, मस्क रोजेस। और वो मस्क रोजेस छोटे होते हैं, वो इतनी बड़ी हाइट के नहीं होते, ऐसे कैनोपी नहीं क्रिएट करते हैं, होते छोटे हैं, बट वो रोजेस पूरे फॉरेस्ट को महका देते हैं जैसे तुम महकाओ। तो खूबसूरती ऐसी ही होती है, खूबसूरती एक ऐसा इफेक्ट होता है जो सबको महका दे। तो ये ऐसी खूबसूरत चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, और बताया है इतना ही खूबसूरत है, एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम। ये सारी चीजें जिनके बारे में हमने बात की, वो जिंदगी है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि डेथ जो है वो खूबसूरत नहीं होती है, अरे खूबसूरत तो डेथ भी होती है, डेथ के अंदर भी खूबसूरती होती है। ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स, ग्रैंड्यूर का मतलब होता है शान, ग्लोरी, एंड डूम का मतलब होता है डेथ। तो बोला खूबसूरती तो यू नो शान से मरने में भी है, शान की या ग्लोरिफाइड डेथ में भी है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। हम लोगों को कितनी बार ऐसा लगता है कि अरे यार मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा क्यों होता है, हम कितनी बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और तब हमें हमारी नानी, दादी, मम्मी या कोई एक स्टोरी सुनाता है। सुन, हमारे देश का एक सिपाही था, और तेरे को पता है उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना पीछे की खबर किए, अपनी जान हमारे लिए दे, हंसते खेलते फांसी पर चढ़ गया। एंड देन आपको पता चलता है कि यार मेरी प्रॉब्लम कितनी पेटी प्रॉब्लम्स है, ये कितनी कम प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ की, मैं किस चीज के ऊपर रो रहा हूं। एक ऐसा इंसान है जिस इंसान ने हम सबके लिए जान दे दी, ये सोचे समझे भी, बिना भी कि पीछे उसकी लाइफ है, उसके भी मॉम डैड होंगे, हो सकता है वो भी किसी से प्यार करता होगा, अपना फ्यूचर उसने देखा होगा, अपने करियर के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में, किसी के बारे में सोचा होगा, पर ये सारी चीजें हटाकर सिर्फ अपने मिट्टी के बारे में, देश के बारे में सोचा और जान दे दी। और ऐसे सिपाही आपको हर फॉर्म में मिलेंगे। एक सिपाही तो आपके घर में रह रहा है, आपके पापा किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ आपके बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। तो जब आपको ऐसे लोगों की कहानियां देखने को मिलती है ना, तो ये कहानियां भी बहुत खूबसूरत है। ये कहानियां क्योंकि आपको फिर से मजबूत कर देती है कि नहीं कोई बात नहीं, लाइफ के अंदर चैलेंजेस आएंगे तो फेस करूंगा ना मैं, फाइट करूंगा ना मैं, मेरी जिंदगी को इतनी सस्ती थोड़ी है। क्योंकि कभी कभी आपको जब जिंदगी के अंदर ही खूबसूरती मिलती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी तो खूबसूरत थी ही, पर उनकी तो मौत भी खूबसूरत है, उनका तो शहीद हो जाना भी खूबसूरत है। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100-100 साल जीते हैं, पर दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं करते, इसी एक इंसान को पानी तक के लिए नहीं पूछते। और कुछ एक ऐसे इंसान होते हैं जिनकी जिंदगी शायद छोटी होती है, शायद 25 साल के होते हैं, जिंदगी देखी ही नहीं होती है, पर फिर भी हंसते खेलते अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं। तो शायद उनकी जिंदगी और उनकी मौत 100 सालों की जिंदगी से भी बड़ी है। तो यहाँ पर मौत की ग्लोरी को बताया गया है कि आप सिर्फ लाइफ में खूबसूरती ढूंढते हो, डेथ में भी खूबसूरती होती है। खूबसूरती होती है उन डेथ की स्टोरीज में, उन सैक्रिफाइसेस की स्टोरीज में जो हम सुनते हैं, क्योंकि वो स्टोरीज कांस्टेंट यू नो वे होता है, एक कांस्टेंट जरिया होता है हमें मोटिवेट करने का। एंड फाइनली वो कंक्लूड करते हैं ये कह के, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heaven spring। ये सारी खूबसूरत चीजें जो है, चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड हो, इंसान हो, ये सब कुछ जो है, ये जिंदगी, डेथ, सैक्रिफाइसेस, अचीवमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स, ये सब कुछ जो है, ये भगवान ने हम लोगों को दिया है। मानो जैसे कि एक एंडलेस फाउंटेन हो, जैसे कि एक फाउंटेन हो जो खत्म ही नहीं होगा, बस चलता रहेगा अमृत का। मानो जैसे कि ये अमृत खूबसूरत चीजें हैं, और इनसे आने वाली जो खुशी है वो एंडलेस फाउंटेन जैसी है, बस चलती रह रही है, चलती रह रही है।
या वाइजर वर्ता भी मान सकते हो, क्योंकि खूबसूरती भी खत्म नहीं होगी जब तक आप देखना बंद नहीं करोगे, सेंस करना बंद नहीं करोगे खूबसूरत चीजों को, और उनसे आने वाली खुशी भी बंद नहीं होगी। तो खूबसूरत चीजों का सोर्स भी जो है भगवान ने एकदम एंडलेस रख रखा है, और उनसे आने वाली खुशी भी हमारे लिए एंडलेस रख रखी है, ताकि हम जिंदगी के इन पार्ट एंड पार्सल के साथ में, मोटिवेशन के साथ में आगे जाएं। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवन्स ब्रिंग, ये सब कुछ जो है वो भगवान ने हमारे लिए क्रिएट किया है, हेवन के ब्रिंग से, कोने से हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। तो जब जब हमें हारा हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कि यार अभी बस गिव अप कर दूं, तो किसी फेस के अंदर, किसी सोर्स के अंदर खूबसूरत चीजें आ जाती है और हमें मोटिवेट करती है। सो दैट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीज। सोचो ये तो सिर्फ एक एक्सर्प्ट है जिसके अंदर वो बताते हैं कि कितना खूबसूरत है ये पूरा का पूरा दुनिया, और देखने वाले की नजरिया चाहिए बस। और अगर आप ये पूरी पोम पढ़ोगे तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। आई वुड रेकमेंड कि जैसे एग्जाम खत्म हो जाए, फ्री बैठे रहो थोड़े टाइम, तो जरूर ये रीड कीजिएगा, मजा आएगा। एक एक्सट्रैक्ट रीड कीजिए ताकि क्वेश्चन कर पाए। ग्रीक नाम है मेरी जान, इनसेन स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है फैलाना। निकलने ही चाहिए, आंसू निकलना जो होता है वो बहुत ही अच्छी चीज होती है। मैं जब लास्ट वाला स्टैंजा हमेशा बताती हूँ तो आई क्राई विथ इट, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन बी इमोशनल, राइट? व्हेन आई स्पीक ऑफ पीपल जिन्होंने बिना सोचे समझे, मैं यहाँ पर एनालॉजी क्रिएट करती हूँ कि किस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे बस वो फांसी पे चढ़ गए क्योंकि उन्हें देश के लिए सैक्रिफाइस करना था, तो आई ऑल्सो क्राई बिकॉज आई रेजोनेट विद देम। आई फील कि उनके घर पे भी उनकी माँ उनका इंतजार कर रही होगी, तो होना चाहिए, बिकॉज ये एक साइन होता है कि आप ह्यूमन बींग हो और आपके अंदर भी एक दिल। ओके, हेलो। Against the hot season, the mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk roses bloom, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal dream pouring onto us from the heaven spring. अच्छा, आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जितने भी लाइन से चीजें बताई गई है खूबसूरत चीजों के बारे में, ये सब इमेजरी है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर इमेजरी देखने को मिलेगा, सन से लेकर आपको पूरा मस्क रोजेस तक सब कुछ इमेजरी है। कूलिंग कवर्ट में क क का साउंड है तो एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एंड माइटी डेड के अंदर आपको ऑक्सीमोरॉन देखने को मिलेगा। माइटी का मतलब होता है अमर और डेड का मतलब जो मर गए, तो उल्टा हो गया, तो ऑक्सीमोरॉन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। एंड या आई थिंक यही सारे प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइसेस है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अच्छा, लेट मी ऑल्सो टेल यू, अगर एक बार अगर आप आएंगे सेकेंड एक्सट्रैक्ट पे, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, यहाँ पे ऑफ ऑफ रिपीट हो रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, तो यहाँ पर आपको एनाफोरा भी देखने को मिलेगा। ओके, चलो पहला क्वेश्चन आ गया। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फॉलोइंग एनालॉजी को कंप्लीट करो। हैव हर्ड अगर एलिट्रेशन है तो डैश ऑक्सीमोरॉन है। Which of these best indicates the phrase mid-forest break? अच्छा, I'm so sorry. ये वाला बताओ पहले। अभी अभी बताया आपको। अरे बी नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है बेस्ड ऑन दी एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आपको एक एनालॉजी कंप्लीट करनी है। अगर हैव हर्ड एलिट्रेशन है तो डैश ऑक्सीमोरॉन, तो क्या ऑक्सीमोरॉन है? अभी अभी बताया था, अभी बताया, शुरू करने से पहले बताया था। माइटी डेड, माइटी डेड, बिल्कुल। माइटी का मतलब क्या होता है? अमर। माइटी का मतलब होता है अमर, और डेड का मतलब जो खत्म हो जाए, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बेस्ट इंडिकेट्स द फ्रेज मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इनमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेट करता है मिड फॉरेस्ट ब्रेक को? हिडन पॉन्ड,
मास ऑफ श्रब्स, कैनोपी ऑफ ट्रीज या स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग स्ट्रीम? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्वेश्चन नंबर टू. अरे आसान है, हाँ मास ऑफ श्रब्स, यही तो मैंने आपको बताया. फॉरेस्ट में इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन बड़े बड़े पेड़ों में छोटे छोटे श्रब्स, तो ऐसा लगता है एक आध छोटू, हाँ, बट वो सोचो इतने छोटे होकर पूरे फॉरेस्ट को महकाते हैं. मास ऑफ श्रब्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मैम इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अब ये तो, इससे तो मैं आपके लिए यही कह सकती हूँ कि पहले तो आप खूबसूरत हो जो आप ऐसा सोचते हो. इंसान की, इंसान की नजरों में खूबसूरती होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, विच ऑफ दीज ब्रिंग जॉय टू ह्यूमन लाइफ? एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमारे जिंदगी के अंदर खुशी क्या लेकर आ सकता है? चेरी ट्रीज, डिलाइटफुल ड्रिंक्स, प्रेग्नेंट फ्लावर्स, चेंजिंग सीजंस, एनचैंटिंग स्टोरीज. क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर थ्री. ओके, देखो यार, प्रेग्नेंट फ्लावर्स तो होगा ही होगा, एक मिनट सुनना मेरी बात. तो थर्ड होगा. अब थर्ड होगा तो ये हो गया, सी हो गया एलिमिनेट. अच्छा, इसके साथ में एनचैंटिंग स्टोरीज, अभी अभी बताया कि ऐसे लोगों की कहानी अगर आप सुनोगे तो ये भी अच्छा है. तो थर्ड और फिफ्थ होना चाहिए. तो ए हो गया एलिमिनेट और डी भी हो गया एलिमिनेट. तो बी एक ऑप्शन बच गया है जो बेस्ट ऑप्शन है. अच्छा, इसके अंदर शेडी ट्रीज भी हो सकता था, बट मेरे पास बेस्ट ऑप्शन बी है. इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है. अगर इसके साथ में वन भी होता तो मैं टिक कर देती. डिलाइटफुल ड्रिंक्स, अरे तुम इमॉर्टल ड्रिंक को सच में तो ड्रिंक नहीं समझ लिए, सच में नहीं है ये. और सीजन का चेंज होना भी नहीं है, एकदम लिटरल मत चले जाया करो. कहते वो कह रहे हैं ना कि इमॉर्टल ड्रिंक मिलती है, तो इमॉर्टल ड्रिंक खूबसूरत है. अरे इमॉर्टल ड्रिंक एनालॉजी है, ये क्रिएट करने के लिए, ये बताने के लिए कि खूबसूरत चीजें कैसे नेवर एंडिंग इम्पैक्ट लाती हैं. हाँ जी, नेक्स्ट देखो. कंप्लीट द गिवन सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. व्हेन द पोएट मेंशंस एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ही रेफर्स टू, जब पोएट ये मेंशन करते हैं एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ही रेफर्स टू खूबसूरती, हाँ, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, एंडलेस जॉय, एंडलेस जॉय, खूबसूरत चीजें जो एंडलेस जॉय लेकर आए. अरे क्या बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. पहला स्टेटमेंट है ब्यूटिफुल थिंग्स आर ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन, और दूसरा स्टेटमेंट है ब्यूटिफुल थिंग्स आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम, सॉरी, ब्यूटी इज एन आउटकम ऑफ इमेजिनेशन. आपके ऑप्शन है ओनली वन कैन बी इन्फर्ड, ओनली टू कैन बी इन्फर्ड, बोथ कैन बी इन्फर्ड, और नाइदर वन नॉर टू कैन बी इन्फर्ड. एक्सट्रैक्ट से क्या इन्फेरेंस ले सकते हो? एरा एक्सट्रैक्ट, अरे ए होगा इसका करेक्ट आंसर. ओनली वन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दी एक्सट्रैक्ट. आप केवल ये चीज एक्सट्रैक्ट से इन्फर कर सकते हो कि खूबसूरत चीजें हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, ऊपर वाले की देन होती हैं. ये नहीं इन्फर कर सकते कि आउटकम ऑफ इमेजिनेशन है. अच्छा, आउटकम ऑफ इमेजिनेशन तो बहुत ही नेगेटिव चीज हो गई. ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ये कहना चाहते हो कि खूबसूरत चीजें केवल मनगढ़ंत होती है, अंदर से आप बस क्रिएट करते हो, उन्हें होती नहीं है. क्या ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हाँ, ए होगा, मनगढ़ंत थोड़ी होती है खूबसूरत चीजें. ऑल राइट, हो गया. नेक्स्ट देखो.
विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट. इस एक्सट्रैक्ट में पोएट की टोन क्या है, नॉस्टैल्जिक, जेनरस, पैशनेट या कॉन्टेम्पलेटिव? क्या टोन है? अरे वाह, डी विल बी द करेक्ट आंसर. नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जब हम पुराने समय में जाकर या पुरानी चीजों को याद करें, ऐसा कुछ नहीं है. जेनरस का मतलब दयालु हो सकता है, या फिर कह सकते हैं जो यू नो कमी ना रखे दया में, लोगों के तरफ काइंड होने में, तो ये भी नहीं होगा. पैशनेट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ फुल पैशन के साथ में, दैट मीन्स फुल ऑन एनर्जी के साथ में, तो ये भी नहीं है. कॉन्टेम्पलेटिव जो है वो थॉट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो थॉटफुल. कॉन्टेम्पलेशन से निकला हुआ वर्ड है, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है सोचना. ऑल राइट, इसके साथ में कंप्लीट हो गया थिंग ऑफ ब्यूटी. इसके बाद में करेंगे रोड साइड स्टैंड, पर इससे पहले हम रोड साइड स्टैंड शुरू करें, मैं आपको दे देती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ताकि आप भी इस ब्रेक के साथ में थोड़ा रिलैक्स कर लो. दो पोएम्स अभी बची हुई हैं, एक है रोड साइड स्टैंड और दूसरा है आंट जेनिफर्स टाइगर, तो आपके लिए एक ब्रेक टाइम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि 9 बजे से आप पढ़े जा रहे हो. ब्रेक, और ये ब्रेक रख लेते हैं 11 बजे तक. ओके, तब तक आप ब्रेक ले लीजिए. एंड इसके बाद में फुल ऑन एनर्जी के साथ में वापस आओ, और हम करेंगे क्या, रोड साइड स्टैंड और साथ ही साथ में आंट जेनिफर्स टाइगर. खूबसूरत पोम्स है, और रोड साइड स्टैंड में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, तो ढेर सारा पानी पी लो, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो प्लीज ब्रेकफास्ट कर लो. रील्स देख कर आता हूँ, यार ये बाटे कहाँ चले जाते हैं मेरा, जब मेरे को सर फोड़ने होते हैं बच्चों के. रील्स देख कर आओगे.
हो गया बच्चा, आड़ी ब्रेक खत्म हो गया, आ जाओ वापस। ओके आवाज आ गई वापस, ठीक है। हाँ वी आर बैक, एक बार बुला दो सब लोगों को, आ जाओ। ब्रेक ओवर, इतनी ज्यादा काम करना पड़ता है मुझे, सबको बुलाना पड़ता है, नहीं तो ये कुछ बच्चे तो सो गए हैं, आ ही नहीं रहे वापस। आर्टिकल और रिपोर्ट, विच वन इज अ बेटर चॉइस? ऑफ कोर्स रिपोर्ट, रिपोर्ट ज्यादा बेटर चॉइस है। बोल दिया सब आ रहे हैं, चलो बेस्ट है। हाँ हमारी पोम है अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड किसे किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, तो जल्दी से रॉबर्ट फ्रॉस्ट टोपी कर दीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट टोपी जल्दी करो, बाकी सारे टोपी। आपकी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, मेरे बुक की पीडीएफ तो मिल जाएगी, पर आप इसके अंदर कुछ समझ नहीं पाओगे, कुछ भी तो लिख लिया है। ऑल राइट, अरे कहाँ लिख रहा है, तो बुक की पीडीएफ मिल जाएगी पर बुक में समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ जी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके। सो ये अ रोड साइड स्टैंड जो है ये पर्टिकुलरली बात करता है दो सेक्शंस के बारे में सोसाइटी के। एक सेक्शन जो है सोसाइटी का वो है जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन जो हैव्स हैं, जिनके पास में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, खूब पैसा है, खूब यू नो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, खूब वो कमा सकते हैं, उनकी एक लाइफस्टाइल है, एक रुतबा है। जबकि दूसरे टाइप दूसरी तरफ अगर हम देखें सोसाइटी का एक दूसरा हिस्सा है कंट्री साइड पे रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, ऐसे लोग जिनके पास इतने ज्यादा एवेन्यूज हैं नहीं, इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इतना ज्यादा पैसा उनके पास नहीं है, एंड हेंस उनकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वो उस रुतबे को स्टेटस को नहीं कमा पाते हैं जो उन लोगों के पास में होता है। जो उन लोगों के पास में होता है जो जिनके पास पैसा है या अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मेन थीम यही है। अच्छा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमेशा ऐसी चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक ऐसे पहलुओं को अपने राइटअप्स के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एंड फाइनली ऑफ कोर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर ये भी ट्राई करते हैं कि इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर वो बात करें और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करें। यहाँ पर बस वो इसी एलिमेंट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जब इस प्रोसेस के अंदर है कि हमारा देश तरक्की करेगा, तब हम लोग क्यों कंट्री साइड पे रहने वाले लोगों की तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ सिटी में रहने वाले लोगों के बारे में सोचे जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अर्बनाइजेशन के थीम को भी हाईलाइट किया है कि जिस तरीके से हम अर्बनाइजेशन की तरफ जाए जा रहे हैं, पीछे जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ का क्या। ऑल्सो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस तरीके से अब हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर को कम करे जा रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो फिर अल्टीमेटली हम खाएंगे क्या, है ना। तो ये सारे थीम्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा पोएम की शुरुआत कैसे होती है देखो, मेरी कान चला गया। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रास्ट आ गया है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक छोटा पुराना घर जो है उसने एक नया छोटा सा शेड लगाया है, एक नई दुकान लगाई है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। और यहाँ पर ये जो छोटी सी दुकान, एक छोटा सा ठेला लगाया गया है, ये एकदम फ्रंट में लगाया हुआ है रोड के एज पे। तो जैसे हाईवेज होते हैं तो हाईवेज का जो एज है वहां पर इस ठेले को लगाया गया है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां से ट्रैफिक स्पीड करता है, जहां से ट्रैफिक गुजरता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ये जो ठेला उन्होंने लगाया, ये जो रोड साइड स्टैंड वहां पर उन्होंने लगाया, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है।
और क्योंकि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है तो अपनी खराब हालत के साथ में वो प्ली करता है, विनती करता है, गुजारिश करता है कि क्योंकि मेरी हालत खराब है तब तो तुम्हें ज्यादा रुकना चाहिए। अरे 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हो गए, 5-स्टार होटल्स हो गए, एकदम शाइनिंग कैफेज हो गए, उनमें तो तुम लोग रुकते ही हो क्योंकि तुम्हें पता है अरे यार कितना खूबसूरत है ये। अरे उनकी तो ऑलरेडी हालत अच्छी है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो ये सब अफोर्ड कर पा रहे हैं, वहां तुम रुकते हो ठीक है, पर एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ऐसा रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है, इतनी बेकार तरीके से उसे बनाया हुआ है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिसका रोड साइड स्टैंड ऐसा है इसके ओनर की हालत कितनी खराब होगी, हमें यहाँ से जरूर कुछ खरीदना चाहिए, ऐसा आपको वो कहीं ना कहीं गुजारिश करता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर पैसे वाले हो और इस वजह से आप यहाँ पे इसको भीख दे दोगे और भीख देकर इनका काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये आपसे भीख नहीं मांगता है। इसीलिए यहाँ पोएट ने बोला है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, हमको यहाँ पर रोटी का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं तुमसे, हम भीख यहाँ पर नहीं मांग रहे हैं कि लाओ हमें भीख दे दो। इनफैक्ट इन्हें क्या चाहिए, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। सो बेसिकली यहाँ पर उन्हें वो नहीं चाहिए, रोटी का टुकड़ा नहीं चाहिए, इनफैक्ट उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए वो पैसा, वो कैश जो सिटी पीपल के पास। बोला हम देखते हैं ये सिटी पीपल की लाइफस्टाइल, ऐसा कैसा पैसा आता है इनके पास में जो इनकी जिंदगी खराब ही नहीं होती है, मतलब ऐसा कौन सा पैसा है इनके पास में जो इनकी लाइफस्टाइल को चला ही रखता है। हमें भी वही पैसा चाहिए, वही कैश चाहिए, वही सिटी लोगों का पैसा चाहिए जिनका जो पैसे से उनकी जिंदगी चलती रहती है, जो पैसा उन्हें चलाए रखता है, कभी फेड नहीं होने देता। तो यहाँ पर ये फ्लावर ऑफ सिटी कौन है, ये फ्लावर ऑफ सिटी हम लोग है, सिटी में रहने वाले लोग हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, और अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड क्यों लगाया है, इस गुजारिश में लगाया है कि आप ये सिटी का पैसा उन्हें दोगे। अब ऐसे में पॉलिश ट्रैफिक, यार ये जो ट्रैफिक है ये पॉलिश नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर ये जो कार्स हैं इन कार्स में बैठे हुए लोग पॉलिश्ड हैं, ये सिटी के लोग हैं तो एकदम सोफेस्टिकेटेड है, सिविलाइज्ड है, तो यहाँ पर ट्रैफिक को पॉलिश क्योंकि बोला गया है, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम का एक लिटरेरी डिवाइस है जो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट देखने को मिलेगा, बोला कि ये जो सारे के सारे सिटी के लोग हैं ये यहाँ से गुजरते तो हैं पर एकदम सामने देखकर बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, गुजर जाते हैं, एक बार को ये नहीं सोचते कि यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड है, जरा इससे रुककर कुछ खरीद ही लें। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, तो बोला और बाय चांस कोई आता है और रुक भी जाता है, ठीक है, बाय चांस कोई आता है और रुक भी जाता है, तो रुक कर कंप्लेन करते हैं, कहते हैं अरे क्या किया तुमने फार्मर, पूरा लैंडस्केप खराब कर दिया, इतना खूबसूरत लैंडस्केप था, हाँ ये गंदा सा रोड साइड स्टैंड यहाँ पर लगा दिया, पूरे लैंडस्केप को खराब कर दिया, और तुम्हें इतना भी नहीं पता ये एन का साइन किधर लगता है और एस का साइन किधर लगता है, नॉर्थ किधर होता है और साउथ किधर होता है पता नहीं है तुम्हें, तो आते हैं ऐसे नहीं कि रोड साइड स्टैंड पे आ रहे हैं तो रुक कर उससे कुछ खरीद ले, आकर वहां पर चार बातें और सुनाकर चले जाते हैं, क्रिटिसाइज करके जाते हैं, कंप्लेन करके जाते हैं कि क्यों तुमने पूरे लैंडस्केप को खराब कर दिया है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉट्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये आते हैं और आकर क्रिटिसाइज कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि मेरे पास में ऑफर करने के लिए खूबसूरत वाइल्ड बेरीज है, फार्मर है, उसने अपना प्रोड्यूस जो है वो वहां पर रोड साइड स्टैंड में लगाया है, तुम्हें वो नहीं दिखता, तुम्हें नहीं दिखती है यहाँ पर ये वाइल्ड बेरीज जो उन्होंने वुडन टोकरियों के अंदर रखी हुई है, तुम्हें नहीं दिखती है ये टेढ़ी मेढ़ी घिया, हाँ जो लौकी होती है ये टेढ़ी मेढ़ी लौकियां नहीं दिखती है तुम्हें, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे सिल्वर सिल्वर डॉट्स बने हुए हैं, थोड़ा सा उसका स्किन ऐसे सिल्वर डॉट्स वाला लौकी की फैमिली से ही है ये, हाँ तो तुम्हें नहीं दिखते हैं ये जितने भी हम लोग ने फ्रूट्स यहाँ लगाए हुए हैं, जो वेजिटेबल्स हमने यहाँ लगाए हुए हैं, और तुम्हें बैठने के लिए और अडोर करने के लिए ये खूबसूरत माउंटेन सीनरी दी हुई है, ये सब कुछ भी तो हम ऑफर करते हैं,
तुम्हें यही क्यों दिखता है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें से लैंडस्केप खराब कर रखा है, क्रिटिसाइज करने आ जाते हो, अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, आकर खरीद नहीं सकते हो इन बेरीज को, इन वेजिटेबल्स को जो हमने यहाँ पर सेल के लिए लगाए हुए हैं। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली गो अलॉन्ग द हर्ट टू द सीनरी वुडन बी माई कंप्लेन। बोला तुम्हारे पास पैसा है पर तुम इस पैसे को सिर्फ अपने पास तक रखना चाहते हो, सेल्फिश हो, शेयर नहीं करना चाहते पैसे को, ठीक है, ले जाओ अपना पैसा, नहीं चाहिए मुझे, लेकर चले जाओ इस पैसे को अपने पास में, अपने साथ में लेकर चले जाओ, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लेन करते जा रहे हो, कंप्लेन करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यहाँ पर फाइनली अभी गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर बोलते हैं कि यार अभी यहाँ पर तुम्हारे पास पैसा है और तुम अगर एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इनको दे दोगे, और यहाँ पर पोएट बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ ज्यादा बड़ा डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इनसिग्निफिकेंट अमाउंट भी इनकी जिंदगी बना देता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जिंदगी के अंदर 10 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं है, 100 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं है, पर ये 10 रुपए और 100 रुपए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इतना सा डोनेशन, इतना सा अगर हम सब इनसिग्निफिकेंट डोनेशन भी अगर इनके लिए करेंगे, एंड ये डोनेशन भी नहीं है, इनफैक्ट हम तो इनके लिए इनसे कुछ खरीद ही रहे हैं, वाइल्ड बेरीज ही खरीद लो, अगर इतना सा पैसा हम इन्हें दे देंगे तो उससे हमारा कुछ नहीं चला जाएगा पर इनकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। पर हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, इतने मीन हो जाते हैं कि हम हजारों रुपए जो है वो बड़े बड़े कैफेज और बड़े बड़े होटल्स में तो खर्च करने को तैयार हो जाते हैं पर हम एक बार ये नहीं सोचते कि एक ठेले वाले से कुछ खरीद लें, क्यों ना इसको कुछ दे दें, एक रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीद लें, उन्हें फायदा होगा। तो अगर हम इतने ही मीन है तो ठीक है, इस सेल्फिशनेस के साथ में बढ़ जाओ आगे। सो एज मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, यूर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अ रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। सो बेसिकली बोला कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं, ये लोगों ने एक भरोसा यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक भरोसा यहाँ पर दिखाया हुआ है इन सिटी पीपल से, इन इंडस्ट्रियलिस्ट से जो यहाँ से गुजरते हैं, ये ऐसे लोगों से जो अच्छी जॉब करते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं, ऐसे लोग जो सिटी में रहते हैं जहाँ पर कमाने के एक नहीं अनेकों साधन हैं, ठीक है। तो बोला कि ये जो लोग हैं, ये लोगों को कहीं ना कहीं ये बात शायद समझ नहीं आती कि इन लोगों ने, पोएट कहते हैं, कंट्री साइड पे रहने वाले लोगों ने इन पे एक भरोसा जताया है। तो जो एक ऐसा रोड साइड स्टैंड लगाया है जो सिटी से कोसों दूर है, और ये रोड साइड स्टैंड जो कि कंट्री साइड पे है, ये रोड साइड स्टैंड सिर्फ और सिर्फ सिटी मनी चाहता है कि सिटी से आने वाला पैसा, यानी कि जो पैसा आप सिटी में बनाते हो, बस वो पैसा हम लोग भी फील करना चाहते हैं हमारे हैंड में। दैट मीन्स वो आपसे भीख तो नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि जब यहाँ से गुजरो, एक बार रोड साइड स्टैंड पे ही रुक जाओ, वहां से कुछ खरीद लो ताकि हम भी उस पैसे को फील कर सके, ठीक है। और वो भी देखना चाहते हैं कि क्या कमाल है इस पैसे के अंदर, कि इस पैसे से सिटी लाइफ इतनी खतरनाक हो गई है, कि सिटी के लोग इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल है, हमें भी तो ट्राई करना है, हम भी तो चाहते हैं कि ये पैसा हमारे हाथ में भी तो आए, ताकि हम भी तो वो लाइफस्टाइल जिए, हमारा जिंदगी भी तो एक्सपैंड हो। बस वैसा ही जैसा मूवीज में दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत करो, भगवान तुम्हारी सुनते हैं, लोग मदद करते हैं, मेहनत का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है और तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। हम भी तो वो लाइफ डिजर्व करते हैं जो मूवीज के अंदर दिखाई जाती है, हमें भी तो गाड़ियों के अंदर बैठना है, हमें भी तो घूमी घूमी करनी है, हाँ तो हम भी तो वही करना चाहते हैं जो हमें भी हॉलीवुड बॉलीवुड शो करता है, हम भी तो वो जिंदगी जीना चाहते हैं जिस जिंदगी के प्रॉमिस हमें बड़े बड़े पार्टी करते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और आकर यहाँ पर प्रॉमिस कर जाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और आकर ये प्रॉमिस कर जाते हैं कि तुम्हें भी ऐसी जिंदगी मिलेगी, हाँ हम भी तो वो जिंदगी डिजर्व करते हैं, हमें भी तो वो जिंदगी चाहिए, और अगर वो जिंदगी उस सिटी से आने वाले पैसे से ही मिलती है तो सिटी का पैसा हमें भी चाहिए, हम भी फील करना चाहते हैं उस सिटी के पैसे को ताकि हमें भी ये सब कुछ मिले जो तुम लोग जी रहे हो। फाइनली वो बोलते हैं, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन।
to live in villages next to theater and the store where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers and beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. By teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. वो बोलते हैं सुना है हमने न्यूज में, डिक्लेयर किया है, प्रोक्लेम किया है, अरे ये सारे के सारे जो मेरे भाई बहन हैं जो कंट्री साइड पर रहते हैं इनको हम इस प्रॉब्लम से, इस गरीबी से मुक्त कर देंगे. अरे इन सारे के सारे लोगों को विलेजेस में नए घर देंगे और उन घरों के पास में थिएटर्स एंड स्टोर्स इतनी सारी चीजें खोलेंगे कि कभी भी इन्हें किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इन्हें तो एक बार ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे इतनी दूर जाकर ये खरीदना पड़ेगा, ये रहा स्टोर, यहाँ से खरीदो. आराम से एंटरटेनमेंट और खाने पीने की चीजें सब कुछ होंगी वहां पर. हम इन लोगों को यहाँ से उठाकर विलेज के अंदर एस्टैब्लिश कर देंगे, दैट मीन्स कंट्री साइड से उठाकर और एक ऐसे एरिया के अंदर एस्टैब्लिश कर देंगे जहाँ पर काफी सारी एमिनिटीज होंगी. वहां पर उन्हें अपने बारे में एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा प्रॉमिस जो है टीवी के अंदर दिखाते हैं कि किया जा रहा है. अब ऐसे में दिमाग के अंदर आता है कि ये प्रॉमिस कर कौन रहे हैं. ये प्रॉमिस करने वाले हैं ग्रीडी गुड डूअर्स. ये वो लोग हैं जो लालची हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं तुम्हारा भला करने का. सिर्फ दिखावा करते हैं कि इससे तुम्हारा भला होगा. वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, उनका उसमें कोई लालच होता है. ये भला करने वाले, ये प्रॉमिस करने वाले हैं कौन? बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे. ये वो लोग हैं जो तुम्हारे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तुम्हारे लिए सोचने की बातें करते हैं और फिर तुम्हारा ही शिकार करते हैं. ये दोनों ही टर्म्स के अंदर ऑक्सीमोरॉन और एलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा. साउंड रिपीट हो रही है और उल्टी बातें कही गई है इस वजह से. इसके बाद में उन्होंने जैसे ही वो चीज बताया, बोला ये लोग पता है क्या चाहते हैं, तुम जिन चीजों की मांग भी नहीं करते हो वो चिपकाना चाहते हैं, वो चीजों को तुम्हें देना चाहते हैं जिनकी शायद तुम्हें जरूरत भी नहीं है. तुम्हारे ऊपर बेनिफिट थोपना चाहते हैं अपने फायदे कैलकुलेट करके. पहले अपने फायदे कैलकुलेट करते हैं और फिर ये बेनिफिट तुम्हें चिपका देते हैं ताकि तुम्हें ये बेनिफिट्स जो है, अरे ये देखो इधर थिएटर, ये देखो इधर स्टोर, ऐसी चीजें जो तुम्हारे काम की भी नहीं है वो तुम्हें सेल कर दी जाती है ताकि से ये अपने बेनिफिट्स को तुम्हारे से एक्सट्रैक्ट आउट कर सके, तुम्हें कंफ्यूज करके. तुम्हें लालच दे दिया जाता है थिएटर का, स्टोर का, एक अच्छी जिंदगी का, एक अच्छी लाइफस्टाइल का, और उस लालच के अंदर तुम्हें कंफ्यूज कर दिया जाता है यहाँ पर, और फायदा होता है इनका. नहीं चाहिए ऐसी लाइफस्टाइल फार्मर को, नहीं चाहिए फार्मर को ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें वो दिन भर सोए और रात में जागे. अरे इन्हें वही चाहिए जो कि इनको अभी है, वही एंशिएंट तरीके से ये जीना चाहते हैं. नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसके अंदर पूरे दिन सो रहे हैं और रात में चैन की नींद ही नहीं मिल रही है. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो बेनिफिट हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं चाहिए ही नहीं है. हम लोगों को जैसे जीना है हम वैसे जी लेंगे, हम अपने आप अपनी लाइफस्टाइल बना देंगे. आपको चाहिए, आपको कुछ करना है हमारे लिए तो कैश दे दो हमें, सिटी का कैश दो हमें, हमारी हमारी जो अर्निंग है उसे बढ़ा दो, हम अपने आप ले लेंगे, हमें और क्या चाहिए जीवन के अंदर. तो ये यहाँ पर हमें बताया जाता है. एंड फाइनली हमें बताया जाता है, Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes and the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. So basically यहाँ पर वो बोलते हैं, poet कहते हैं कि कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं कितना ही झेल पाऊंगा. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का दर्द तो मुझसे देखा ही नहीं जाएगा. अरे कितने childish है यार, ये कितने innocent है. एक बच्चा होता है ना जो जिद कर लेता है,
और उसका बिलीव बहुत स्ट्रांग होता है, उसका बिलीव सिस्टम ही बहुत स्ट्रांग होता है, उसे बिल्कुल बिल्कुल यकीन होता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और आकर मुझे वीडियो गेम दिलाए, और वो बिलीव जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि फिर शायद पेरेंट्स को वो करना भी पड़ जाता है। तो जो बचपना होता है, बोला कैसा बचपना है इनका, ये कैसी बच्चों जैसी डिजायर है इनकी, अरे क्यों नहीं सीख जाते तुम कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं रुकेगा, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो सब बर्बाद है। पर वो लोग चाइल्डिश हैं, वो ये चीज सीखना नहीं चाहते, उन्हें तो उम्मीद है सिटी के लोगों से कि सिटी के लोग आएंगे और उनकी जिंदगी के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो ये यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें नहीं दिखता जब तुम यहाँ से गुजरते हो, एक जो ये विंडो है, इन्होंने जो विंडो बना रखी है, उस विंडो में, उस ओपन विंडो के पीछे कितनी ज्यादा सैडनेस छुपा रखी है, तुम्हें नहीं दिखती वो सैडनेस, कि कितने उम्मीद से वो हर दिन वहां बैठते हैं, इंतजार करते हैं, आज कोई आएगा, कल कोई आएगा, कभी तो कोई रुकेगा, कभी तो कार के रुकने की आवाज सुनाई देगी, कभी तो ब्रेक्स की आवाज सुनाई देगी, कभी तो कोई आकर कुछ खरीदेगा, और हर रोज जब कोई नहीं रुकता वो डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें नहीं दिखता, वो डिसअपॉइंटमेंट कि हर रोज इस उम्मीद के अंदर, इस होप के अंदर वहां बैठना, और वो बैठने के बावजूद भी कुछ ना हो पाना, किसी का भी ना रुकना, किसी का भी कुछ नहीं खरीदना, तुम्हें नहीं दिखता। हाँ अच्छा, इसके साथ में इतने सारे, इतने हजारों सेल्फिश कार, देखो कार सेल्फिश नहीं है, कार को चलाने और कार में अंदर बैठे हुए लोग सेल्फिश है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट देखने को मिलेगा। बोला इतनी सारी सेल्फिश कार्स में से शायद एक कोई रुकता है तो बोलता है, अरे फार्मा कितने में दिया, अरे तुम्हें नेगोशिएट करने के लिए फार्मर मिला, तुम्हें जब कोई एक चीज 5,000 रुपए की दे दी जाती है और बोल दिया जाता है ये 5,000 रुपए की जो चीज है इसको हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, पर तुम्हें लगता है ये 5,000 की चीज है, ये बहुत अच्छी है, वो तुम झट खरीद लेते हो, एक 20 रुपए की चीज के लिए फार्मर के साथ में नेगोशिएट करते हो, रुकते हो और पूछते हो क्या प्राइसेस है तुम्हारी वाइल्ड बेरीज की और इस लौकी की, और तुम्हें लगता है वो प्राइसेस ज्यादा है, हाँ, और इससे दुगने दामों पे तुम अपने घरों के पास में से खरीदते हो, वो कुछ नहीं, उनके सामने तुम्हारी नेगोशिएशन नहीं चलती है, ये नेगोशिएट करने के लिए सिर्फ फार्मर मिला। इसके बाद में बोलते हैं, और उसके बाद में एक और रुका, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, एक और एक इंसान रुकता है, फिर से ब्रेक सुनाई देते हैं, पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ ग्रास को खराब कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जरूर इसने गलत टर्न ले लिया होगा और इसीलिए लैंडस्केप का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर जो ग्राउंड है उसका इस्तेमाल कर रहा है यू टर्न ले, रिवर्स लेने के लिए यहाँ पर उनकी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ घास को उखाड़ने का काम कर रहा है और कुछ नहीं, और यहाँ पर रुककर कुछ खरीद नहीं रहा है। इसके बाद में और एक इंसान रुका, बोला इसके बाद में कोई एक इंसान रुकता है और रुककर बोलता है, अरे फार्मा ये वाला रास्ता किधर जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये दिल्ली का रास्ता है, दिल्ली किधर पड़ेगा, कोई रुकता है तो रुककर फार्मर से रास्ता पूछता है, वो उम्मीद में आ जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये गाड़ी रुकी है हमसे कुछ खरीदेगी, ये गाड़ी रुकी है हमसे कुछ खरीदेगी, और वो गाड़ी रुकती है और पूछती है कि दिल्ली कहाँ है, रास्ता पूछती है और पूछकर चली जाती है, कितने टुकड़े होते होंगे उनकी उम्मीद के। इसके अलावा भी और लोग रुकते हैं और रुककर पूछते हैं, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, बोला कि अरे फार्मर तुम्हारे पास में पेट्रोल मिलेगा क्या। अब तो गुस्सा आ गया पोएट को, पोएट कहता है नो दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट सी, नो इन कंट्री मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट दैट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, and then next day as I come back to the scene I wonder why I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. emotion change hote hue experience kijiyega, pehle gussa aa raha hai aur gussa is baat pe dikh nahi raha, ye petrol pump hai, ye gas station dikh raha hai tumhe, petrol milta hai yahan pe, unhe gussa aa raha hai sabse pehle to, aur uske baad mein wo bolte nahi bechte hain yahan par petrol, ye नहीं है ये कोई गैस स्टेशन,
अगर इनके लिए रुक नहीं सकते हो, मदद नहीं कर सकते हो, मजाक मत उड़ाओ इनका। सोचते समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग इतना सब कुछ कमाते हैं और उसका इतना सा पोर्शन ये बेचारे कंट्री वाले लोगों के पास में होता है। इनके पास में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल सोर्स भी नहीं है पैसा कमाने का, ठीक है। इनके पास में जिंदगी को जीने के लिए है जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो नहीं है। ना इनके पास पैसा है, ना कोई कॉन्फिडेंस है, ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये सिटी में जा सकते हैं, ना इनके पास वो फेम है, ना रुतबा है। ये किसी तरीके से पैसा नहीं कमा सकते हैं। इनके पास और कुछ नहीं है सिवाय इस प्रोड्यूस के जिसका वो दुकान लगा कर बैठे हैं। फिर भी तुम इनकी इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते हो। हाँ, तुम्हें नहीं सुनाई देती है इनकी आवाज़, इनकी रिक्वेस्ट, जो कि बस यही बोलती है कि हमें हेल्प करो। हमें चाहिए इनसिग्निफिकेंट ही हेल्प करो, पर हेल्प करना चाहिए। हम लोगों को मदद की तुम्हारी ज़रूरत है, उस पैसे की ज़रूरत है जो तुम सिटी में कमाते हो, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पोएट कहते हैं, कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि तुम लोग अपनी आंखें इस तरीके से इन लोगों के लिए बंद कर देते हो कि आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं तुम इनकी मदद करोगे। अगर ऐसा है तो एक बार में खत्म कर दो इनके इस पेन को, मार डालो इन्हें। मदद नहीं कर सकती हो तो रोज जो ये घुट घुट के जी रहे हैं, कम से कम उससे तो इन्हें आजादी दे दो, एक बार में खत्म कर दो इन्हें। और सोचता हूं कि किसी दिन अगर मैं उनकी जगह होता तो, किसी दिन अगर मैं पेन में होता तो, और तुम मेरे पास आते और मुझे खत्म कर देते क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तो मुझे क्या लगता, कैसा लगता? तो शायद डेथ तो इसका सोल्यूशन नहीं है ना। इनडायरेक्टली हमें अर्ज किया जा रहा है कि ये लोग मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, और शायद ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसका लास्ट अगर कुछ बचा है तो सिर्फ मौत बची है। तो अगर कोई इन्हें बचा सकता है वो तो हो तो सिर्फ आप, अगर कोई इन्हें बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हो। तो इनकी हेल्प जरूर करो, क्योंकि हम इन्हें एक झटके में मार तो नहीं सकते, इनकी जिंदगी तो नहीं ले सकते। इसके इंटरप्रिटेशन काफी ज्यादा होते हैं, बट ये वाला इंटरप्रिटेशन सबसे प्रोमिनेंट है और CBSE का भी है, क्योंकि CBSE ने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर इसका इंटरप्रिटेशन पूछा है और ये डेथ वाला इंटरप्रिटेशन ही करेक्ट आंसर बताया है। तो वहां से हमें पता चलता है कि इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऐसा लगता है कि इतना घुट घुट के मर रहे हैं कि इन्हें एक बार में मार के खत्म कर दो, बट देन वो रियलाइज करते हैं कि कोई अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता। तो डेथ तो सोल्यूशन नहीं हो सकता ना। दैट इज अ रोड साइड स्टैंड फॉर यू। All right, written by Robert Frost. Complete हो गया है हमारा poem. Let's go to the questions. कहाँ गई questions? Questions को प्रकट करो computer जी। ये रहा हमारा question. Question कहता है, It is in the news that all these pitiful kids are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives and forcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. Question बोलता है, what is the tone of the poet in the above line? Poet की tone कैसी है इन lines में? Aggressive है, tolerant है, sarcastic है, resigned है, sentimental है. आपके पास में ये सारे options हैं, and then collective options यहाँ दिए हुए हैं. A बोलता है only one, B बोलता है second and third. C बोलता है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड डी बोलता है ओनली थर्ड। क्वेश्चन नंबर वन। ये वाली लाइंस हैं, इनमें क्या लगता है आपको, क्या क्या टोन है हमारे ऑथर की, पोएट की? आप नोटिस में कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ओल्ड फॉर्मेट करा रहे हैं, मार्किंग स्कीम में नया फॉर्मेट है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ओल्ड फॉर्मेट ही यूज करेंगे। तो आप दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ इसका करेक्ट आंसर, यहाँ से टोन पकड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, सरकास्टिक, यहाँ पर सरकास्टिक टोन ही तो है। क्या हमको बोलते हैं कि इन लोगों को खरीदेंगे? अच्छा ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब लोग यहाँ प्लान करते हैं, और प्लान ये करते हैं कि ये जमीनें इनकी हम खरीदेंगे और इन्हें तो कहीं पर भी घर दिला देंगे और इन्हें कह देंगे अरे वहां पे तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर बोला इन्हें प्रॉमिस करते हो कि इन्हें खरीदोगे और इनकी जिंदगी अच्छी बनाओगे, और बात करते हो खुद के फायदे की यहाँ पे। हाँ तुम्हें फायदा खुद का दिखता है, तुम ये सोचते हो इनकी जिंदगी अच्छी बनाओगे, जबकि इनकी जमीनें खरीद के तुम अपनी जिंदगी अच्छा बनाना चाहते हो, रिजॉर्ट्स खोलना चाहते हो, फाइव स्टार होटल्स खोलना चाहते हो। हाँ तो यहाँ पर ये सार्काज्म की टोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पोएट कहना कुछ चाहते हैं बट मीनिंग उनका मतलब कुछ और रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। आपको एक ऐसा फ्रेज जो है वो आइडेंटिफाई करना है जो ये बताए, नो वन बॉदर्स टू टेक देयर कंसेंट बिफोर पुशिंग प्रॉमिस ऑफ अ बेटर लाइफ देयर वे। इंसान के पास ताकत होती है, पैसा होता है तो लोग उससे पूछते हैं, पर जब इंसान गरीब होता है, जब इंसान के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होती है तो उसके ऊपर चीजें थोप दी जाती है। जैसे यहाँ पे इन लोगों से तो इनकी कॉन्सेंट भी नहीं ली जाती है ये पूछने से पहले कि आपको, मतलब ये नहीं पूछा जाता है ये सोचने से भी पहले कि आपको यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, बस कर दिया जाता है। हाँ तो ये आपको एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन सा फ्रेज है जो बताता है, एक ही फ्रेज हो सकता है, एनफोर्सिंग बेनिफिट, थोपे जाते हैं बस उनके ऊपर बेनिफिट, ना तो वो चाहते हैं कि उनको कभी शिफ्ट किया जाए, उनको ना तो थिएटर चाहिए ना स्टोर चाहिए, थोड़े बहुत पैसे से ही उनका गुजारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द विलेजर्स कैन बी इन्फर्ड थ्रू दीज लाइंस। आपकी लाइंस है गलिबल, फ्यूचरिस्टिक लाइंस हमने देख ली है, तो क्या है ये, गलिबल है, फ्यूचरिस्टिक है, हाइपोक्रिटिकल है या एम्बिशियस है, ये पैराग्राफ। हाँ गलिबल हो सकता है, गलिबल का मतलब क्या होता है, जिसे इजिली इन्फ्लुएंस किया जा सके, गलिबल का मतलब होता है जिसे इजिली इन्फ्लुएंस किया जा सके, जिसको आप बहला फुसला सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक दूर का हो गया, हाइपोक्रिटिकल कुड बी एन एनालिसिस, एंड एम्बिशियस का मतलब होता है जिसके एम्बिशन हो, आकांक्षाएं हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली एंड डू नॉट रिपीट फ्रॉम यूज्ड एग्जांपल। अगर ग्रीडी गुड डूअर्स एलिट्रेशन है तो डैश इज ऑक्सीमोरॉन। अब देखो यार ग्रीडी गुड डूअर्स में ग ग का साउंड आ रहा है, अरे म कैसे बन गया ये, ग्रीडी गुड डूअर्स में ग ग का साउंड आ रहा है तो एलिट्रेशन है। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन भी है क्योंकि ग्रीडी का मतलब लालच होता है और गुड डूअर्स का मतलब अच्छा करना होता है, ऐसा ही एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरॉन का सेट एक और बिल्कुल आप सही समझ गए हो, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, क्योंकि वहां पर भी ब का साउंड रिपीट हो रहा है, और बेनिफिसेंट जो दूसरों का अच्छा चाहे, बीस्ट ऑफ प्रे जो दूसरों पे शिकार करे, उल्टा ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू 1 and 2 गिवन बिलो। 1 कहता है द सिटी ड्वेलर्स मेक प्रोमिसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, 2 कहता है द सिटी ड्वेलर्स हैव अल्टीरियर मोटिव्स, अल्टीरियर मोटिव्स। आपके ऑप्शन है ए इज ट्रू, अच्छा सॉरी आपका ऑप्शन है ए में 1 is true but 2 is false, बी बोलता है 2 is true but 1 is false, सी बोलता है 2 is the reason for 1, और डी बोलता है बोथ 1 and 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। क्या लग रहा है क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये दोनों सही है क्या, अगर ये दोनों सही है तो अपने आप ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों सही है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ये कैन नॉट बी इन्फर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा, अपने आप सिर्फ सी बचेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये रीजन और कॉज और रीजन का या रीजन और इफेक्ट का रिलेशनशिप आपको यहाँ इसके लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिटी ड्वेलर्स जो होते हैं, सिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं, इनके खुद के कुछ मोटिव्स होते हैं, और इसी वजह से ये लोग प्रॉमिसेस करते हैं विलेजर्स के लाइफ को बेटर बनाने के लिए। उन्हें इनकी जमीनें हड़पनी है
इसी वजह से उन्हें कहते हैं अरे अपनी जमीन हमें दे दो, हम आपको आलीशान बंगला देंगे, पास में थिएटर होगा, स्टोर होगा। वो ये नहीं बताते हैं कि जमीन पे फिर वो आलीशान होटल बनाएंगे और करोड़ों कमाएंगे। तो उनके खुद के मोटिव्स होते हैं, इसीलिए आगे चल के उन्हें प्रॉमिस किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। एप्रोप्रिएट वर्ड है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं आंसर्स इसमें। कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विच इंप्लाइज दैट देम आर बीइंग। ये जो देम है, ये पहली बात तो कौन है, ये है हमारे विलेजर्स। अब ये जो विलेजर्स है, देम आर बीइंग, क्या किया जा रहा है इनके साथ में? चीटेड हो सकता है, इन्हें चीट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। हो सकता है कि इन्हें कहीं ना कहीं फूल किया जा रहा है, ड्यूप किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी वर्ड आप इसके अंदर लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। लास्ट आपकी पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर, लिखा इसे एड्रीन रिच ने, तो फटाफट से एड्रीन रिच ओपी कर दो। हाँ, कुड भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि बेचारे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है हमारा भला यहाँ पर हो रहा है, जबकि यहाँ पर उनका कोई भला नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें उनका इस्तेमाल किया जाता है। एड्रीन रिच यहाँ पर आंट के बारे में एक छोटी सी कहानी बताती है। एड्रीन रिच यहाँ पे आवाज उठाती है एक बहुत बड़े मुद्दे पे, और वो बहुत बड़ा मुद्दा है किस तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता है एक मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी में। देखो यार, धीरे धीरे सोसाइटी ग्रो कर रही है, सोसाइटी के काफी एस्पेक्ट्स ग्रो कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि मैम अब कहाँ पर होती है ये इनइक्वालिटी, आजकल तो आदमी और औरत दोनों को एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है। आई अग्री विथ यू। अब बहुत सारे कोनों में ये जो एक्सप्लॉयटेशन है जो औरतों का किया जाता था, ये जो सप्रेशन है, ऑपरेशन है, ये नहीं होता है, ये इनइक्वालिटी अब आपको देखने को नहीं मिलती है। बट पहले एक ऐसा टाइम था जब ये देखने को मिलती थी, एंड इनफैक्ट अभी भी रिमोट कॉर्नर्स में आपको ये देखने को मिलती है। औरतों को वीकर सेक्स माना जाता है, और इसी वजह से उन्हें इनइक्वली ट्रीट किया जाता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है जहां पर आदमियों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर औरतें। अब ऐसे के अंदर यहाँ पर आवाज उठाई जाती है, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि एक औरत कैसा फील करती है जब वो एक ऐसी ही सोसाइटी, यानी कि एक पेट्रियार्कल या मेल डोमिनेटेड या मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी का हिस्सा होती है। आंट जेनिफर तो वैसे खैर एक ही औरत है, पर उनका इस्तेमाल करके उन सारी औरतों के बारे में बताया गया है जो कि विक्टिम होती है ऐसी सोसाइटी की, जो चाहकर भी आवाज नहीं उठा सकती है क्योंकि सोसाइटी पूरी तरीके से उन्हें घेर लेती है। तो अगर आप चाहोगे भी तो भी आप आवाज नहीं उठा पाओगे। एंड इसके साथ साथ में इस पोएम के अंदर बात की गई है कि कैसे वो चाहती तो है फ्री होना, वो चाहती तो है इस ऑपरेशन से आजाद होना, बट सोसाइटी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से वो आजाद नहीं हो सकती हैं। एंड वो उसी पेट्रियार्की के अंदर, बहुत बार ये पेट्रियार्की मिसोजिनी से भी निकल कर आती है, उसी के अंदर फंसकर मर जाती है। यहाँ पर आपको एक एंगल आर्ट का भी देखने को मिलेगा कि 8 सालों साल जीती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आर्टिस्ट को खो देते हैं, पर उसकी आर्ट हमेशा एंड्योर करती है, वैसे ही चलती रहती है, तो इमॉर्टल होती है आर्ट, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा है जिसके अंदर टाइगर्स के बारे में बताया गया है। बोलते हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। बोला आंट जेनिफर के टाइगर्स, ये सच में पालतू टाइगर्स नहीं है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? अक्रॉस अ स्क्रीन से। तो आंट जेनिफर एक टैपेस्ट्री बना रही है, दैट मीन्स एक वॉल हैंगिंग बना रही है जिसमें कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और उन्होंने कपड़े पर इस बार एम्ब्रॉयडर किए हैं टाइगर्स, और वो जो टाइगर्स है वो कपड़े के एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक प्रांस करते हुए मोशन के अंदर दिखाए गए हैं, भागते हुए दिखाए गए हैं। ब्राइट टोपाज, ये जो टाइगर्स है इन्हें ब्राइट टोपाज के साथ कंपेयर किया है, यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि ब्राइट टोपाज जो होता है वो येलोइश कलर का एक स्टोन होता है, एक जेम होता है, येलोइश ब्राउन कलर का एक स्टोन होता है, और टाइगर्स भी येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं, तो
तो बोला कि ये इतने खूबसूरत और इतने चमकीले हैं जैसे कि मानो ये एक स्टोन हो, एक जेम हो। डेनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनाइजेंस का मतलब होता है रहने वाले, तो बोला कि ये लोग रहने वाले हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट के, तो फॉरेस्ट के रहने वाले ये टाइगर्स इतने ज्यादा चमकीले हैं। यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट भी बताया गया है कि एक तरफ जहाँ पर ये इतने ज्यादा चमकीले और येल्लो ब्राउनिश कलर के हैं, वहां पर फॉरेस्ट एकदम ग्रीनिश कलर का होता है, तो वो ग्रीन जो है वो यहाँ पर शो किया गया है। पीछे हो सकता है टैपेस्ट्री का बैकग्राउंड या कपड़ा भी ग्रीन कलर का हो जिसके ऊपर वो बनाए हुए हों। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और ये इतने निडर हैं, इतने ब्रेव हैं, इतने करेजियस हैं, इतने फ्री हैं कि ये बिल्कुल नहीं डरते हैं उस इंसान से जिसे इन्होंने देख भी लिया है कि पेड़ के पीछे छुपकर एक इंसान इनका शिकार करने के लिए आया है, और उस आदमी से ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं क्योंकि ये फियरलेस है, ये बोल्ड है, ये करेजियस है, ये किसी भी अमाउंट का डर नहीं रखते हैं अपने अंदर, शिकारी को देखकर भी ये पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर टाइगर की इमेज इसके लिए ली गई है क्योंकि टाइगर्स इतने ज्यादा बोल्ड और करेजियस होते हैं। दूसरी बात, वो मैस्कुलिन है, यहाँ पर उनके अंदर वो मैस्कुलिनिटी है, और काउंटर पे भी मेन को रखा है, आदमियों को रखा है जिनके अंदर मैस्कुलिनिटी है। कहने की बात यह है कि ये जो वर्ल्ड है ये ऐसा बन गया है जिसमें एक आदमी है जो आदमी से लड़ सकता है, एक औरत तो आदमी से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती है। तो यहाँ पर ये टाइगर की ट्रेट्स को बताया गया है, एंड फाइनली बताया गया है दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, ये आगे बढ़ते हैं। पेस करना मतलब आगे बढ़ना, एकदम स्लीक, एकदम स्मूथ तरीके से शिवलरी अपनी एलिगेंस के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे उन्हें कोई दूसरा इंसान दिख रहा हो, एक आदमी दिख रहा हो जो उनका शिकार करने आया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका शायद आज शिकार हो जाएगा, वो मर जाएंगे, फिर भी वो अपनी एलिगेंस को नहीं छोड़ते हैं, अपनी चाल में वैसे ही उतनी एलिगेंस के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं, जो कि बताता है कि ये कितने फ्री हैं, इनके अंदर एक सेल्फ एस्टीम है कि ये हो सकता है कि मर जाएंगे बट झुकेंगे नहीं। ये सारी की सारी ट्रेट्स जो आपको टाइगर के अंदर देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, हमें पता चलता है कि ये टाइगर्स की ट्रेट आंट की डिजायर है। आंट भी बोल्ड होना चाहती है, फ्री होना चाहती है, ब्रेव होना चाहती है, करेजियस होना चाहती है, इस सेल्फ एस्टीम को रखना चाहती है, वो भी नहीं डरना चाहती है आदमियों से, बट वो ऐसा नहीं कर सकती है, एंड इसी वजह से वो एम्ब्रॉयडर करती है टाइगर्स को। तो यहाँ पर आपको एक तो मिल जाएगा मेटाफर, इसके बाद में दे और दे का रेपिटेशन हुआ, इसकी वजह से आपको मिल जाएगा एनफोरा और शिवलरी सर्टेनिटी, शिवलरिक सर्टेनिटी, शिवलरी सर्टेनिटी, एलिट्रेशन तो नहीं है, और आपको राइम स्कीम यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड्स इट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो पहले स्टैंजा में जहाँ हमें ये बताया गया है कि टाइगर्स के ट्रेट्स आंट चाहती हैं, वहां पे दूसरे स्टैंजा के अंदर हमें बताया गया है कि टाइगर जो कि फ्री है और जो फ्रीडम का प्रतीक है, जब उन टाइगर्स को वो ड्रॉ कर रही होती है, एम्ब्रॉयडर कर रही होती है, तो एक पतली सी आइवरी नीडल को पुल करने में भी उनके हाथ कांप जाते हैं, और ये हाथ इसके लिए नहीं कांपते हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, वो वीक है या वो बीमार है, ये हाथ इसके लिए कांपते हैं क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज है, क्योंकि अपनी फ्रीडम ड्रॉ करने से वो डरती है, अपनी आजादी लिखने से वो डरती है, अपने आप को आजाद देखने से वो डरती है, अपने मन की आर्ट परस्यू करने से वो डरती है, और ये डर उनको किससे है वो भी हमें पता चल जाता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो डरती है अंकल से, अंकल से डरती है जो कि उनके काउंटर पार्ट है, उनके उनके हस्बैंड है, और ये बात ये जो मैरिज है ये टॉक्सिक है, ये बात हमें तब पता चलती है जब अंकल का वेडिंग बैंड यानी कि उन दोनों के शादी की निशानी, वेडिंग बैंड रिंग जो है वो सिंबलाइज करता है शादी को, मैरिज को, तो उनका जो वेडिंग बैंड है वो उनके लिए बहुत भारी हो जाता है, मैसिव वेट होल्ड करता है, एक बर्डन बन जाता है। देखो शादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है, बट अगर आपकी रिलेशनशिप काफी अच्छी होती है, टॉक्सिक नहीं होती है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप दोनों मिलकर पूरा पूरा करते हो, पर जैसे ही शादी जो है वो टॉक्सिक हो जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बर्डन लगने लग जाती हैं, बोझ लगने लग जाती हैं,
और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी और यही शादी का सिंबल जो है वो आपको सप्रेस करने लग जाता है। मानो जैसे कि आंट अपनी अपनी फ्रीडम ड्रॉ करने लग रही हो और उस वक्त जो है अंकल और पूरी सोसाइटी मिलकर उस वेडिंग बैंड के थ्रू उन्हें सप्रेस कर रहे हो, वो कोशिश कर रही हो फाइट करने का, और क्योंकि वो फोर्स आ रहा हो उसी की वजह से उनके हाथ कांप रहे हो। दैट मीन्स वो अपनी फ्रीडम अपनी डिजायर्स को पूरी करना चाहती हैं और उन्हें क्रिएट भी कर रही है, पर उन्हें पूरा करने से सोसाइटी उनको पूरा करने के लिए सोसाइटी और अंकल से डरती है। उन्हें डर लगता है कि ये लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे, कि फिर मेरा क्या होगा, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, क्या मेरा जीवन बाकी की सोसाइटी में अच्छा गुजरेगा, क्या जीवन में मतलब क्या मुझे सोसाइटी जीने भी देगी। तो इन सारी चीजों से वो सप्रेस हो जाती हैं, उन थॉट से वो सप्रेस हो जाती हैं। एंड फाइनली लास्ट स्टैंजा में कहा गया है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। अच्छा बाय द वे सेकंड स्टैंजा में फिंगर्स फ्लटरिंग में आपको एलिटरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि फ की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। अंकल्स वेडिंग बैंड में वेडिंग बैंड सिम्बोलिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि सिम्बॉलिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो शादी के साथ में आती है। मैसिव वेट में आपको हाइपरब्ली देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वेट को और ज्यादा एग्जैजरेट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, तो आपको ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन इसके बाद में हम आगे चलते हैं, लास्ट स्टैंजा कहता है, When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. बोला आंट शायद यहाँ पर मर जाएंगे, हो सकता है अपनी जिंदगी भर अपने डिजायर्स अपनी फ्रीडम को डिजायर करने वाली आंट सिर्फ ये एम्ब्रॉयडरी करते करते ही मर जाएंगी, और उनके टेरिफाइड हैंड्स उनके कांपते कांपते हुए हाथ बस एक दिन बेजान हो जाएंगे। ये टेरिफाइड हैंड्स के अंदर दोनों मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा ट्रांसफर्ड एपिथेट और सेनेक डे की, क्योंकि ये हाथ नहीं है जो कि टेरिफाइड है, ये पूरी की पूरी आंट जेनिफर है जो टेरिफाइड है। तो वो डरी हुई आंट जेनिफर उधर बेजान पड़ी होंगी, पर अभी भी स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, अभी भी वो घिरी रहेंगी अपने जीवन के चैलेंजेस से। रिंग्ड के अंदर आपको पन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके दो मतलब है। एक मतलब इसका ये है कि अभी भी वो रिंग रहेगी, मतलब उनके अभी भी हाथ में वो रिंग रहेगी, वेडिंग रिंग रहेगी, जो डिनोट करेगी कि वो अंकल की वाइफ है, और रिंग्ड का मतलब होता है सराउंडेड बाय, तो वो जुड़ी रहेंगी अभी भी उन ऑर्डियल से, चैलेंजेस से जो जिंदगी भर उन्होंने झेले। पर पता है क्या होगा, वो मर जाएंगी, शायद उनकी डिजायर्स अनफुलफिल्ड रह जाएंगी, बट ये जो टाइगर्स हैं जो कि उन्होंने क्रिएट किए हैं, उनकी जो आर्ट है, ये ऐसे ही एंड्योर करेंगे। ये टाइगर्स नहीं मरेंगे, द टाइगर्स इन द पैनल, ये टाइगर्स जो टैपेस्ट्री में उन्होंने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड, ये वैसे ही प्रांस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे उसी प्राउड उसी सेल्फ एस्टीम के साथ में, बिना किसी डर के। तो शायद आंट तो अपनी डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाई, बट ये टाइगर्स उनके लिए उन डिजायर्स को जिएंगे, उस जिंदगी को जिएंगे, उनकी आर्ट यहाँ पर जिएगी। यही पर एक पैरेलल ड्रॉ किया जाता है आंट जेनिफर और एड्रीन रिच में, कि शायद आंट जेनिफर जो है उनकी मरने के बाद में भी उनका आर्ट यहाँ पर है, और ऐसा ही हर आर्टिस्ट के साथ होता है, जैसे कि एड्रीन रिच के साथ भी होगा। शायद एक दिन एड्रीन रिच नहीं रहेगी, पर उनका ये जो आइडिया है विमेन को एक जैसे ट्रीट करने वाला, ये ऐसे ही एंड्योर करता रहेगा। मेरा इसके ऊपर ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया है, बट मेरा एक पर्सनल जो टेक इस पोएम के ऊपर रहता है वो ये है कि इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सेक्स क्या है, कोई इंसान ये डिजर्व नहीं करता है कि उसे सप्रेस किया जाए, उससे उसकी आजादी छीन ली जाए, उससे उसका सेल्फ एस्टीम छीन लिया जाए। कोई इंसान ये डिजर्व नहीं करता है कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ आजादी के लिए लड़े और फिर वो मर जाए और फिर भी उसकी ये डिजायर्स कभी फुलफिल ना। हम एज अ सोसाइटी फेल हो जाते हैं बच्चों, हम एज अ सोसाइटी फेल हो जाते हैं जब किसी भी इंसान को गौर से सुनना, ना मैं आदमी कह रही हूं, ना मैं औरत कह रही हूं, ना मैं किसी और सेक्स की बात कर रही हूं, मैं बोल रही हूं हम एज अ सोसाइटी, आप मैं और हम सब एज अ सोसाइटी फेल हो जाते हैं जब कोई भी इंसान घुटता है, घुटन महसूस करता है हमारे अंदर।
आखिरकार ये चार लोग क्या करेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग हम हैं। तो आपको अगर किसी से डरना है तो पहले आप अपने आप से डरिए, क्योंकि जब ये सर्कल आप पर आएगा, आज आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आज आप किसी की बातें कर रहे हैं, किसी ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, किसी को सप्रेस कर रहे हैं, जब ये सर्कल फिर आपके ऊपर आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि ये चार लोग आप ही हो। आपने किसी की बातें की है और आज जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद कोई और चार लोग ये बातें करेंगे। तो ये सोसाइटी हम ही बनाते हैं और हम एज अ सोसाइटी फेल हो जाते हैं जब किसी इंसान को इसके अंदर सफोकेशन महसूस होता है। तो हमें एज अ सोसाइटी हर इंसान को, चाहे वो किसी भी रेस का हो, नेशनैलिटी का हो, किसी भी सेक्स का हो, कोई भी जेंडर रोल हो, कुछ भी हो, इक्वली ट्रीट करना चाहिए और उसे उस पर छोड़ना चाहिए। हमें नहीं, यहाँ पर बीच में नहीं, आपने अपनी शादी क्यों तोड़ दी, नहीं आपको आपको डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था ना, पर ये आपको क्या मतलब है उस बात से, वो क्या झेल रहा है, एक आदमी क्या झेल रहा है, एक औरत क्या झेल रही है, आपको क्या मतलब है इस बात से कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई भी डिसीजन किसी इंसान के लिए आसान नहीं होता है, उसने लिया है दैट मीन पता नहीं वो क्या चीज। अगर हम किसी इंसान को अपना कंधा नहीं दे सकते रोने के लिए तो उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए। तो हम अगर अपनी एज अ सोसाइटी ऐसे ग्रो करेंगे तो कल को कोई भी ऐसा फील नहीं करेगा कि उसे सोसाइटी में अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी। ये आइडिया जो है आंट जेनिफर की जो पोएम है, ये पूरी जो पोएम है एड्रिन रिच ने लिखी है, ये आइडिया आज की दुनिया में ऐसे अप्लाई होता है। ठीक है, जो लोग को फेमिनिज्म ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब होता है औरतों के लिए मोर्चा निकालना, नहीं, फेमिनिज्म का मतलब होता है कि हर जेंडर को, हर सेक्स को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए, मतलब हर इंसान को एक तरीके से ट्रीट किया जाए। और ये नई डेफिनेशन जो आज मैंने सिखाई है इसे अपने दिमाग के अंदर रखो, तो अगली बार आप आदमियों को भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे औरतों को ट्रीट करते हो, और वैसे ही ट्रीट करो हर एक उस जेंडर को, हर एक उस सेक्स को, जिस भी इंसान से आप करते हो उस रिस्पेक्ट के साथ, तब जाकर हम एज अ सोसाइटी ग्रो करेंगे। सो इसके लिए पोएम आज भी आपके करिकुलम के अंदर है, ताकि आपको, चाहे हो सकता है कि ये थोड़ा अलग तरीके से अभी पेट्रियार्की या कोई भी रिचुअल जो है वो या कोई भी इनइक्वालिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है, बट जो भी इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही है उसे हम ऐसे ही किल कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम लोग ने भी ये कर दिया, कल को हमारे ऊपर वो बात आती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप किसी और की बहन के लिए कुछ कहने के लिए तैयार हो तो कल कोई आपकी बहन के लिए वो बात कहता है तो पीछे मत हटना। अगर आप किसी और के भाई के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार हो और कल को कोई आपके भाई के लिए वो कहता है तो फिर पीछे मत हटना, तब आप भी उसी का वैसे ही मजाक उड़ाना। क्यों ऐसा होता है कि किसी और इंसान के ऊपर आकर आप कमेंट कर सकते हो और बोल सकते हो, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, कितनी मोटी है, ये कितना पतला है, कुछ भी आप बोल सकते हो, और जब वो आपके अपनों तक आती है, आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली तक आती है, तब आपको मिर्ची लगती है। तो हमेशा ये चीज याद रखो कि यहाँ पर जेंडर का कोई गेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि जब किसी और के साथ कुछ हो रहा होता है तो हमें मजे लेने होते हैं, वो चार लोग हम बन जाते हैं, और जब हमारे साथ वो हो रहा होता है तो चार लोग कोई और बन जाता है, पर ये चार लोग हैं हम ही। तो जब आप अपनी सोसाइटी को इस तरीके से ग्रो करने के लिए जगह दोगे, क्योंकि आप यूथ हो, आपकी शुरुआत हो रही है और आप चेंज लेकर आ सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे तभी जाकर एक अच्छी, एक ग्रेटर सोसाइटी का इन्वेंशन होगा। हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रह पाएंगे जहां आप और हम दोनों मिलकर ग्रो कर पाएंगे, हम एक दूसरे को ग्रो करेंगे, ना कि किसी को खींचेंगे नीचे। तो वो होना चाहिए, दैट्स द आइडियोलॉजी बिहाइंड द पोएम। और ये ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है, और इस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो मेरा पर्सनल नोट था, इस पे ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, इस पे ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, तो सेम इमोशन के अंदर और सेम बातें आपको लिखनी चाहिए, और तभी जाकर आपका इंटरप्रिटेशन, आपने क्या सीखा, आपको समझ में आएगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा। तो दोनों एंगल से यहाँ पर हमने सीख लिया है, और हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Question number one कहता है, read the statement given below. Statement कहती है, Aunt Jennifer's plight is best explained by her hands. They hold both her freedom and the instrument of her imprisonment. देखो, उनके हाथ जो हैं, वही उनके plight की कहानी कहते हैं। हाथों में ही फ्रीडम है और हाथों में ही उनकी जेल है। यही हाथ है जो उनकी फ्रीडम बुन रहे हैं, और यही हाथ है जिनमें उनकी वो बेड़ी लगी हुई है, वो रिंग लगी हुई है जो कि यू नो उन्हें सप्रेस करती है।
नाउ चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अबाउट स्टेटमेंट एज पर द एक्सट्रैक्ट. अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है. क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? आपके ऑप्शन वन है आंट जेनिफर्स हैंड्स आर टेरिफाइड बट व्हेन शी इज डेड हर टाइगर्स विल रोम फ्री. आंट जेनिफर निट्स हर डिजायर्स बट इज ओवर पावर्ड बाय वेडिंग रिंग शी वियर्स. आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर प्राउड एंड अनअफ्रेड बट शी इज मास्टर्ड बाय रिंग्ड ऑडियंस. आंट जेनिफर मेक्स पैनल्स ऑफ टाइगर्स व्हेन शी हैज टाइम फॉर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ जी ओके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी. आंट जेनिफर क्या करती है अपने डिजायर्स को निट करती है एम्ब्रॉयडर करती है बट उनकी डिजायर्स के ऊपर भारी पड़ जाती है उनकी ये वेडिंग रिंग जो कि ऑपरेशन की निशानी है जो वो पहने रखती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट. कौन सी चीज है जो एक्सट्रैक्ट से हम नहीं डिराइव कर सकते. आंट जेनिफर टाइगर्स विल कीप हर अलाइव इन एवरीवन्स मेमोरी. Aunt Jennifer feels oppressed and constricted in her marriage. Even in death, Aunt Jennifer cannot escape patriarchal subjugation. Aunt Jennifer's tiger's prance as a lasting symbol of her desires. Cannot. Question number two. हाँ ए होगा बिल्कुल ए होगा. Aunt Jennifer बेचारी मर जाएंगी. अच्छा ये दुनिया और खतरनाक पता है क्यों है? क्योंकि कोई एक इंसान किसी चीज से जूझ रहा होता है तब ये दुनिया उस बात पे ध्यान नहीं देती. वो इंसान जब यहाँ पर ये चीज बेटर अपनी मौत ज्यादा बेटर प्रेफर करता है तब पीछे ये जरूर कहने आ जाती है एक बार कहता तो सही. अगेन ये दुनिया हम ही है. आंट जेनिफर यहाँ पर फ्रीडम की गुहार लगा रही है बोले जा रही है मुझे फ्री कर दो मैं ट्रॉमेटाइज हो रही हूँ मैं मेंटली यहाँ पर फिट नहीं हूँ ठीक है मेरे को इतना ट्रॉमा यहाँ पर फील हो रहा है तब ये सोसाइटी नहीं मान रही है बात. और जब आंट जेनिफर की मौत हो जाएगी तब जाकर कहेगी अरे हाँ नहीं थी तो सही बेचारी ने दुख तो बहुत देखे जीवन के अंदर कुछ नहीं कही बेचारी तुम कहने दोगे तो कहेगी ना वो तो कोई नहीं याद करेगा बेटा आंट जेनिफर के टाइगर्स को उसकी टाइगर्स से उसको कोई नहीं याद करता. ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. What makes the tigers proud and unafraid? Tigers इतने proud और unafraid क्यों हैं? They embody the grandeur and supremacy of animals in the wild. They symbolize authority and are topaz denizens of green. They represent Aunt's repressed desires for freedom and power. They are a product of Aunt's imagination and colonial experience. इनफर्ड का मतलब होता है डराइव करना. थीम पहचानने के लिए सबसे पहले फर्स्ट फ्यू लाइन और लास्ट फ्यू लाइन देखा करो वहां से आपको थीम पता चल जाएगा किसी भी एक्सट्रैक्ट का. दे रिप्रेजेंट आंट्स रिप्रेस डिजायर्स फॉर फ्रीडम एंड पावर. ये एक्चुअली डिनोट करते हैं आंट की वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स को जो बेचारे जीते जी तो नहीं पूरी कर पाई. चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट इम्प्लाइड बाय प्रांसिंग. देखो यार प्रांसिंग एक मूवमेंट है और यहाँ पर इन तीनों में वो मूवमेंट बताया हुआ है तीन ऑप्शन में बताया हुआ है. आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो डज नॉट जो बिल्कुल भी नहीं बताता है प्रांसिंग के साथ रेजोनेट नहीं होता है. हाँ एलिमिनेट करोगे तो शफलिंग आ जाएगा. अरे शफलिंग का मतलब होता है शफल करना. तो शफल और प्रांसिंग का मतलब होता है मूवमेंट आगे बढ़ना दौड़ना. बाकी सारी चीजें आगे बढ़ने की बात कर रहा है दौड़ने की बात कर रहा है बट ये शफल करने का तो चेंज करने की बात कर रहा है. इसके साथ में आज का हमारा जो कहानी है 9 से 12 का शो है वो हो गया है कंप्लीट. सो बहुत मजा आया क्योंकि एकदम सुबह की शुरुआत आपके साथ ही की तो फुल ऑन एनर्जी के साथ में आज. एक्चुअली मेरे को बता देती हूँ बाकी सारे लोग जो ऐसे सोच रहे होंगे कि मैम ने 20 डेज प्लेज भी बीच में छोड़ दिया. एक्चुअली मेरे को छाले हो गए थे. मेरे साथ हो जाता है ऐसा कि मैं एकदम ऐसे काम करने लग जाती हूँ तो थोड़ा थ्रोट में और माउथ में माउथ अल्सर हो जाते हैं तो मेरे को बोलना थोड़ा मुश्किल होता है और तोतली आवाज़ निकलती है.
तो मैं सारी क्लासेस जो बहुत ही अर्जेंट थी और स्केड्यूल थी बच्चों के हिसाब से, उनको तो मैं नहीं छोड़ पाई, बट बाकी सारी क्लासेस को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा एक बार को मैं छोड़ देती हूँ, लिंक्स दे देती हूँ उसकी बजाय, ताकि से जब मैं वापस ठीक हो जाऊँ एक बार बोलने के लिए तो मैं वापस कंटिन्यू करूँ। तो अभी आप लोगों के प्रेयर्स की वजह से वापस ठीक हो गया है, तो वापस वही फुल ऑन एनर्जी के साथ में आगे बढ़ेंगे। एंड दैट्स इट। तो इसके साथ में ये कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पर मैंने समरीज दे दी हैं, ये समरीज प्रिंटेबल फॉर्म में भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, और ये समरी वैसे भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अनअकैडमी का टेलीग्राम है class12 by Unacademy, आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक है। अनअकैडमी नए बैचेस भी लेकर आया है बच्चों के लिए, तो अगर आपको अच्छा लगता है सारे टीचर्स जो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं उन टीचर्स से पढ़ना, तो यार देखो अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर देना, और अपने जो छोटे भाई बहन है या तुम किन्हीं भी जूनियर्स को अगर जानते हो तो जरूर उन्हें बताना इस बैच के बारे में, ताकि इसे उन लोगों का भी भला हो जाए। उस बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच बच्चावाड़ी, आज आपने मेरे को ज्वाइन किया, अपना इतना कीमती समय आपने मुझे दिया। इस टाइम पर आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने मुझे एक स्ट्रेच में मेरे पे भरोसा करके 3 घंटे दे दिए। उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद में पोम के अंदर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपने मेरे साथ में पढ़ लिया होगा तो आपको पोम पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन निकाल लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ब्रॉडर सोच पाओगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते जाए, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, ताकि वो भी इसे देख लें। मैं आपको मिलूंगी परसों फ्राइडे को सुबह 9 बजे, और विस्तार कंप्लीट कराऊंगी। 6 चैप्टर हमारे आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ, तो उस दिन भी आप मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। ऑलरेडी यहाँ पर सेशन क्रिएट हो रखा है, चाहो तो नोटिफाई पे जाकर क्लिक कर लो, ताकि आपको जब भी मैं लाइव आऊँ नोटिफिकेशन आ जाए। चलो, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।